हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेई क्लासेस मेरे परिवार मेरा नाम है मोनिका पाल और आज हम अपने इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट की महा मैराथन आज हम लेकर आए हैं महा मैराथन क्लास पी एस माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा की ये सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट आपको पता है अभी पिछले दो साल पहले ये सब्जेक्ट आपका न्यूली एड किया गया सिलेबस में जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है साथ साथ सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा स्टडी मटीरियल अच्छा मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है और पीएससी माइक्रो कंट्रोल की क्लास का हर एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था और यकीन मैंने इस क्लास को लेने के लिए मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी तो आखिर हम ही गए पीएससी माइक्रो कंट्रोल एंडा की महामैराथन क्लास लेकर तो आज की इस क्लास में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ही सिलेबस कंप्लीट कराएंगे यानी कुल मिला के पीएससी के सब्जेक्ट में पांच यूनिट है और पांचों की पांचों यूनिट आज हम आपको कंप्लीट कराएंगे तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आज की क्लास को जल्दी से शेयर कर दो सभी क्लासमेट्स के बीच सभी अपने जो भी आपके वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दें ताकि पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंडा की जो आज इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सभी बच्चों तक पहुंच पाए देखिए आज जैसे कि मैंने बताया इस क्लास में हम पूरा ही सिलेबस डिस्कस करेंगे यानी पांच के पांच यूनिट बताने वाले हैं जिसमें हम पीएलसी भी पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ेंगे और का्डा यानी फिफ्थ यूनिट जो है वो भी हम कंप्लीट कराएंगे तो आज की कंप्लीट क्लास को देखने के बाद आपको इतना जो यकीन है इतना जो विश्वास अपने ऊपर हो जाएगा कि अब पी एल सी माइक्रोकोलेंस में आपके बैक आने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे तो आज की क्लास को एंड तक आपको देखना है साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्लास में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है क्योंकि मेरी एनर्जी आप पर डिपेंड करती है तो क्लास में बीच बीच में जहां आपको जरूरत लगती है आप अपने डाउट अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं साथ साथ जो क्वेरी जो डाउट में आपसे पूछू जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उनका फटाफट से, फट से रिस्पॉन्स भी देना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पी एल सी माइक्रोकलाइंस का क्लास कर रखी होगी एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ है किसी बुक नोट्स या किसी और सोर्स या टीचर से पढ़ा रखा होगा तो आज ऐसे सभी सभी का एक भी 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 होने होने वाला वाला है 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 तो तो आप कह सकते हैं कि पूरा आज तो फटाफट जो है, class को दबा के कर दो और जो स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं वो फटाफट से अपने दर्ज कराएं और क्लास को लाइक like जरूर करें क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं लेकिन क्लास को लाइक like नहीं करते देखते लाइव तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं लाइव तो सौ बच्चे आ रहे हैं पचास बच्चे आ रहे हैं लेकिन देखते हैं कि जो उनका लाइक है वो उसके आधे भी नहीं होते तो जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं क्लास को लाइक जरूर करें तो देख लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हमारे साथ है संगम ब्लॉग्स ब्लैक शेडो अभय प्रताप सिंह संदेश कुमार एमएमआईटी नवनीत यादव थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बट बेटा देखिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आप सभी की इंपॉर्टेंट क्लास जो की की pending कि आई की पेंडिंग है और आई का सब्जेक्ट है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट को परेशान करता तो तो है, है तो आई आपके लिए महामारथन जल्दी हम लाने वाले हैं तो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ब्लैक शर्टो जी जिसकी वजह से आपके एस क्लास दीपक सर ने कराई थी और यकीन मानिए दीपक सर ने भी बहुत अच्छे से आपको एस पढ़ाया है नवनीत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभय प्रताप सिंह हैं अभय प्रताप सिंह कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग का टाइम हो चुका है मोहम्मद अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरुण चौहान कह रहे हैं कह रहे हैं, पास करा दो मैम पीएससी सब्जेक्ट में भाई आज की क्लास लेने के बाद तरुण आज इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको देकर जाऊंगी कि आप पीएससी की क्लास में फेल होने का या बैक लाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे ठीक है अक्षय कुमार जुड़ चुके हैं प्रदीप मोटिवेशनल स्पीच जुड़ चुके हैं ज्योति कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी कमेंट कर रहे हैं बिट्टू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिट्टू राज बोल दिया बेटा सॉफ्ट ट्यून आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश कुमार हैं फैजल खान हैं राधे राधे भाई सभी को राधे राधे बहुत अच्छी बात है नित्यानंद यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमर यदुवंशी जुड़ चुके हैं संध्या वर्मा है इंजीनियर मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरताज हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश कुमार यादव जी भी जुड़ चुके हैं अक्षय कुमार हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आते जा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कि भाई स्टूडेंट्स रेस्पोंड करते हैं आशीष पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तालिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद जी हैं आशीष पाल जी नमस्ते खूब खुश रहिए खूब आगे बढ़ी है खूब कामयाब हुई है और एग्जामिनेशन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आई है कि आपके आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदारों को भी यकीन ना हो कि इतने अच्छी परसेंटेज स्टूडेंट लेकर आया है अब ये प्रताप जी थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू सो मच बेस्ट टीचर है या नहीं ये तो नहीं जानते लेकिन हाँ बेस्ट होने की कोशिश जरूर करते हैं बिट्टू राज कह रहे हैं एक बार जय श्री राम बोल दीजिए जी जय श्री राम श्री राम जी की कृपा बिट्टू राज जी आप पर हमेशा बनी रहे आप पर बनी रहे आपके परिवारजनों पर बनी रहे और आप खूब आगे बढ़े खूब कामयाब हो आपको ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद गुड इवनिंग गोविंद जी आशीष पाल कह रहे हैं जी गुड इवनिंग चले तो मैं क्लास को शुरू करते हैं मीन माइल जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं मैं बार बार कह रही हूँ कि क्लास को लाइक like जरूर करना है ठीक है मैं हमेशा कहती हूँ हमारे एफर्ट हमारी मेहनत जो है वो हमें भी लगता है कि भाई अगर हम स्टूडेंट्स के लिए मेहनत ला रहे हैं हर बार जे क्लासेस मेरिट हर सेमेस्टर में हर ब्रांच हर सेमेस्टर हर सब्जेक्ट के लिए फ्री महामैराथन क्लास लेकर के आता है तो आप देख रहे हैं जेसी टीम की जितनी भी फैकल्टी हैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या अप्लाइड के जो टीचर्स हैं सारे के सारे आपके लिए मेहनत करते हैं आप समझिए पूरी बुक पूरा सिलेबस दो ढाई घंटे में निपटाना बहुत मुश्किल काम होता है यानी इतने सारे टॉपिक को दो ढाई घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल काम है प्लस लगातार खड़े रहना लगातार बोलते रहना बहुत ही टफ काम होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स एटलीस्ट इतना तो करें क्लास को शेयर जरूर करें या जो क्लास में आ चुके हैं क्लास को लाइक जरूर करें और साथ साथ विद ऑल कंसेंट्रेशन विद ऑल फोकस आपको क्लास को अटेंड करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप कोई लेक्चर ले जब भी पढ़ाई करें किसी भी तरह से करें वीडियो लेक्चर से करें ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें बुक से पढ़े नोट से पढ़े या किसी भी सोर्स से आप पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त पेन पेपर जरूर लेकर बैठे ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करने में बाद में रिविजन के लिए मदद करे ठीक है बहुत अच्छी बात है मैं मोहम्मद अमन मीत कुश मीत कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं संगम ब्लॉक्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं कह रहे हैं जय भीम जय भीम बेटा जी इसके अलावा हमारे साथ रोहित वर्मा जी जुड़ चुके हैं चले भाई चले तो क्लास को शुरू करते हैं ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि सिलेबस है हमारे पास बहुत सारा पांच यूनिट कुल मिला के हमें कंप्लीट करनी है तो हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट वन की सो so, यूनिट वन है हमारी क्या इंट्रोडक्शन यूनिट वन हमारी क्या है बच्चों इंट्रोडक्शन क्लियर इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में जब आप यूनिट वन की बात करते हैं तो यूनिट वन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक सब्जेक्ट में बाकी सारे सब्जेक्ट की बात छोड़ देते हैं फिलहाल पीएलसी माइक्रोकट्रोल्स स्काडा की बात करते हैं पीएससी माइक्रोकट्रोल्स स्काडा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट वन से देखने को मिलेंगे तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पी एस सी माइक्रोकट्रोल अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीएससी माइक्रोकट्रोल सब्जेक्ट खत्म कर लिया है वो रिविजन करने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे दू तो आपको यूनिट वन बहुत बढ़िया से पढ़नी है यूनिट वन में से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो पहला ही यूनिट यूनिट जो हमारा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय और यहाँ करने वाला है, है। हालांकि सब्जेक्ट में तीन पार्ट दिए गए हैं पीएलसी भी है उसका डा भी है तो यहाँ इंट्रोडक्शन जो है वो किसका है पीएलसी का तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज पीएलसी की आखिर पीएलसी है क्या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है जल्दी आपको मिल जाएगा ठीक है भाई चलिए तो बात करते हैं व्हाट इज पीएलसी देखिए पीएलसी का मतलब क्या है पीएलसी का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा पीएलसी से आप क्या समझते हैं पीएलसी का परिचय दीजिए पीएलसी से क्या तात्पर्य है पीएलसी का उपयोग इतना ज्यादा क्यों किया जाने लगा कुल मिला के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए यानी ये पूछ रहा है व्हाट इज पीएलसी पीएलसी है क्या पीएलसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा है तो सबसे पहले आप लिखेंगे पीएलसी का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर तो पी एल सी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पी एल सी जो है हमारा पी एल सी आप ऐसे भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं मैंने हमेशा कहा है जब हम बी टी यूपी की बात करते हैं या किसी भी रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वह कॉपी में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप कॉपी में जो भी लिखते हैं हर एक स्टूडेंट लिख के आएगा हर एक बच्चा कॉपी में आंसर लिख कर आएगा लेकिन आपका जो आंसर है बाकी सारे स्टूडेंट्स के मुकाबले किस तरीके से ज्यादा अट्रैक्टिव है ज्यादा अपीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पी एस सी का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर तो इसका फुल फॉर्म है क्या पीएलसी का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर अब इसका जो अर्थ है इसका जो मीनिंग है वो इसी में छुपा हुआ है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है ये एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है तो आप लिख सकते हैं पीएलसी का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है इसका संपूर्ण अर्थ है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है ये बाइनरी यानी डिजिटल डिवाइस है डिजिटल लॉजिक पर काम करती है या कह लीजिए बाइनरी लॉजिक पर काम करती है कंट्रोलर क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत सारे प्रोसेस को बहुत सारे प्रक्रमों को बहुत सारे जो बेसिकली कह रहे जैसे मशीन में या आपके मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी प्रक्रियाएं हैं प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है इसलिए इसको हम कंट्रोलर भी कहते हैं तो कुल मिला के पीएलसी का पूरा नाम है लॉजिक कंट्रोलर लॉजिक कंट्रोलर अर्थात पी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से जिस जो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है और यह डिजिटल प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है तो इस प्रकार पीएलसी का पूरा नाम हुआ, Then, में करते रहिएगा उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो फादर ऑफ पीएलसी हैं है ये क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव में भी बहुत पूछा जाता है या फादर ऑफ या या इन्वेंटर ऑफ पीएलसी इन्वेंटर ऑफ पीएलसी यानी कि पीएलसी के जनक कौन है पीएलसी के जनक का मतलब है जिन्होंने इसकी खोज की तो पीएलसी के जो जनक हैं वो है डिक मोरले डिक मोरले ने इसकी खोज की हिंदी में भी आप तो तो इसको लिख सकते हैं। तो father of PLC या फिर inventor of PLC, यानी के 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 जनक जनक वो कौन है है? के के नाम से किसको जाना जाता है? Dick Morley को जाना जाता है। पी को पीएलसी का जनक क्यों कहा जाता है क्योंकि डिक मोर्ले ने ही पीएलसी का जो कॉन्सेप्ट है यानी उसकी संकल्पना पर कार्य करा और फिर जाके पीएलसी हमारी एग्जिस्टेंस में आई अब पीएलसी कब एग्जिस्टेंस में आई तो पी हमारी लगभग या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1960 1960 के दशक में ठीक है क्योंकि कहीं जगह आप देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे कुछ बुक्स में देखेंगे कुछ आप नोट्स भी देखेंगे कहीं देखेंगे तो कई बार ईयर को लेकर कंफ्यूजन है कहीं जगह सिक्सटी टू कहीं जगह सिक्सटी फोर लिखा है तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि उन्नीस सौ साठ के दशक में यानी अर्ली नाइनटीन सिक्सटी जो थी नाइनटीन सिक्सटी का जो दशक था है, दस साल की बात है यानी साठ से सत्तर के बीच जो दशक था उसी दौरान पी एच सी की आविष्कार किया गया कह लीजिए खोज की गई और इसका जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा किया जाने लगा नित्यानंद यादव जुड़ चुके हैं प्रदीप मोटिवेशनल हैं इसके अलावा बब्बू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं देख लिए बहुत अच्छी बात है आपने पहली वाली क्लास देखी जो भी स्टूडेंट्स है मैंने पहले भी कहा था कि जब तक महामैराथन नहीं होती बाकी सब्जेक्ट्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट आपके अभी नहीं हुए जिनका शेड्यूल आपको नहीं मिला तो आप प्रीवियस जो महामैराथन क्लास है उनको देख सकते हैं बहुत अच्छा किया भाई आप, आपने बब्बू सिंह जी रोहित वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये आपके इंडस्ट्रियो ऑटोमेशन सब्जेक्ट में है बहुत अच्छी बात है जय रामधन बाबा की जुड़ चुके हैं हमारे साथ गुड इवनिंग जी भाई बड़ा अजीब यूजर नेम रखा है चले बहुत अच्छी बात है टेक ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है भाई चले तो यहाँ पे हमने बात की कि पीएलसी का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल इसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल इसलिए कहा गया है? क्योंकि इसको प्रोग्रामेबल डिवाइस द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है यानी जो यूज करने वाला व्यक्ति यानी जो यूजर है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोग्राम इसमें डाल सकता है यह एक डिजिटल डिवाइस अर्थात बाइनरी लॉजिक पर कार्य करती है कंट्रोलर क्योंकि इसके द्वारा किसी भी प्रोसेस को किसी भी अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं डन फादर ऑफ पीएलसी यानी पीएलसी एस जनक है वो डिक 1964 में पीएलसी का जो आविष्कार है वो किया गया उन्नीस 1960 के दशक में पीएलसी का उपयोग किया जाने लगा अब पीएलसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया इससे पहले पहले 1960 के दशक से पहले, जितने भी जो कंट्रोल सर्किट्स होते थे आप सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आप मशीन सेकंड पढ़ रहे हैं तो मशीन सेकंड में हमारे इंडक्शन मोटर हैं और भी मोटर है उनको कंट्रोल करने के लिए यानी यानी उनके स्टार्ट ऑन उनको ऑन करना उनको ऑफ करना उनकी स्पीड कंट्रोल इन सभी के लिए क्या बनाए जाते थे कंट्रोल सर्किट्स बनाए जाते थे सिमिलरली डिफरेंट फील्ड में बहुत सारी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सर्किट उपयोग में लाए जाते थे उन कंट्रोल सर्किट में उपयोग किया जाता था किसका बच्चों रिले का उपयोग किया जाता था किसका रिले का आप सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो एसजीबी का मैराथन आपने लिया है तो बहुत सारी हमारी रिले होती हैं विभिन्न कॉन्सेप्ट पर कार्य करने वाले हमारी रिले हैं रिले का उपयोग कंट्रोल सर्किट में बहुत ज्यादा किया जाता था रिले के द्वारा किसी भी प्रोसेस को हम ऑन ऑफ कर सकते थे तो जितने भी पहले जो सर्किट हुआ करते थे इनमें रिले का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता था लेकिन ये जितनी भी रिले थी हमारी क्या है सभी इलेक्ट्रोमेकेनिकल रिले का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता था क्योंकि सबकी सब जो हमारे किस कॉन्सेप्ट आधारित होती थी वैद्युत सिद्धांत पर कार्य करती थी यानी इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर कार्य करती थी लेकिन उनमें जो मूवमेंट है यानी कांटेक्ट क्लोज होना या कांटेक्ट ओपन होने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या मैकेनिकल मूवमेंट ही तो हो रहा है भाई कांटेक्ट पास आ रहे हैं मैकेनिकलली मूव कर रहे हैं कांटेक्ट दूर जा रहे हैं मैकेनिकलली मूव कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन को मिलाकर हम कह सकते हैं ये हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले थी जो कि इन कंट्रोल सर्किट्स में उपयोग की जाती थी लेकिन इन रिले सर्किट के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे बहुत सारे दोष थे क्योंकि रिले जो है उतनी ज्यादा विश्वसनीय नहीं थी कई बार ऐसा होता था कि रिले के कांटेक्ट जो है ओपन या क्लोज नहीं हो पाते थे या रिले के जो कांटेक्ट है वो घिस जाते थे जिसकी वजह से प्रॉपरली मिल नहीं पाते थे उनके बीच स्पार्किंग भी एक बहुत बड़ी इशू थी इसके अलावा इन रिले के लिए जो हम सर्किट बनाते थे उन सर्किट में बहुत सारे पुश बटन या हम बहुत सारे स्विचेस का या हम आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करते थे तो हमें कनेक्शन करना पड़ता था कैसा आप सभी ने इलेक्ट्रिक रखी है ना तो डिस्क्रीट डिस्क्रीट सर्किट सर्किट मैंने आपको थे। क्या होते हैं जिनको हिंदी में पृथक परिपथ के नाम से जाना जाता है यानी अपने कंपोनेंट अलग अलग लिए इनपुट डिवाइस ले ली कुछ आउटपुट डिवाइस लगाई ले ली और उन सबको आपने कैसे जोड़ा तारों के कनेक्शन करके आपस में जोड़ दिया तो कई बार जब बड़े सर्किट होते थे जटिल परिपथ तो कनेक्शन भी बहुत सारे हो जाते थे अब कनेक्शन तो जैसे जैसे कर दिए सर्किट तैयार कर दिए सर्किट तैयार करना मुश्किल काम होता था अगर किसी कारण से उसमें दोष हो गया फॉल्ट हो गया उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था तो इस कारण रिले सर्किट की जगह हमारी किसने ले ली पीएलसी ने ले ली अब पीएलसी जैसा कि मन में बताया कि ये डिजिटल डिवाइस है यानी डिजिटल लॉजिक पर कार्य करती है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है उसकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है तो इस कारण से नाइनटीन के बाद जो हमारी पी हैं उनका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया यानी पीएलसी जो है बहुत ज्यादा यूज की जाने लगी क्लियर अब जो हमारी पीएससी है इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको मैं भी लिख देती हूँ दोबारा से ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए देखिये जो हमारी पीएलसी है इनके एप्लीकेशन कहाँ है इनके एप्लीकेशन देख लेते हैं एप्लीकेशन कहा है पीएलसी का उपयोग कहा किया जाता है यानी कुल मिला के मैं कहूँ ना कि जैसे आपने कंप्यूटर पढ़ा है ना वैसे ही पीएससी भी हमारा कंप्यूटर की तरह याद रखना है आपको पीएससी कंप्यूटर के समान है कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर एक जनरल टास्क के लिए डिजाइन की गई युक्ति है क्योंकि आप कंप्यूटर से बहुत सारे काम करते हो आप डेटा को स्टोर भी करते हो आप गाने भी सुनते हो आप बहुत सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हो बहुत सारे प्रोग्राम उसमें सेव करते हो तो बेसिकली क्या है मल्टीपल प्रोग्राम उसके अंदर काम करते हैं यानी वो जनरल की एक डिवाइस है जहां प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की बात करते हैं यानी पी की पीएससी जो है विशेष कार्य के लिए डिजाइन की जाती है फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझिए मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ कपड़े वगैरह बनाने का कार्य होता है टेक्सटाइल मिल जिनको कहते हैं टेक्सटाइल मिल

तो बेसिकली पी क्या है स्पेसिफिक टास्क को ध्यान में रखते हुए यानी विशेष कार्य के लिए डिजाइन की जाती है तो अगर हम कंप्यूटर और पी की तुलना करें तो बहुत सारी चीजों में इनके अंदर समानताएं हैं सिमिलैरिटी है बट पी और माइक्रो पीएससी और कंप्यूटर जो है अपने आप में बहुत अलग अलग है क्योंकि पीएससी जो है विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं जबकि कंप्यूटर आपके जनरल टास्क के लिए बनाए जाते हैं पी जो है इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट को ध्यान में रखे हुए बनाई जाती है जबकि जो कंप्यूटर है वो ऑफिशियल एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं पी जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी बहुत अधिक तापमान सह सकती है बहुत प्रेशर डस्ट बहुत सारे इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकती है जबकि कंप्यूटर जो है साफ सुथरे एनवायरमेंट में ही रखा जाता है क्लियर अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं इसके एप्लीकेशन कहाँ किए जाते हैं तो ये पॉइंट लिख रहे हैं यहीं पर ठीक है मशीन कंट्रोल में यानी मशीनों को ऑपरेट करने में जैसे मैंने इंडस्ट, इन, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट में एग्जाम्पल लिया इंडक्शन मोटर का तो मशीनों को कंट्रोल करने में इसके अलावा पैकेजिंग में जहां क्या करना हो वस्तुओं को आइटम्स को पैकेज करना हो मटेरियल हैंडलिंग में है ना मटेरियल हैंडलिंग में इसके अलावा और भी सिमिलर सिक्वेंशियल टास्क अगर इसके एप्लीकेशन देखोगे ना तो बहुत सारे फील्ड में पीएलसी का यूज किया जाता है अगर फील्ड वाइज देखें क्षेत्र क्षेत्र में में तो बहुत सारे पीएलसी का उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल फील्ड में तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑटोमेशन के फील्ड में पीएलसी ने क्रांति ला दी ऑटोमेशन के फील्ड में तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो ऑटोमेशन के फील्ड में यानी कि ऑटोमेशन फील्ड में यानी जहां आप चाहते हैं कि कार्य अपने आप स्वचालित हो स्वचालन इसको हिंदी में कहते हैं स्वचालन के क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है यानी पीएससी के द्वारा मान लीजिए आपने एक डायमेंशन का जैसे मान लीजिए मुझे पैनी बनाना है हमने लंबाई चौड़ाई सारी जो डायमेंशन है इसकी फीड कर दी और हम चाहते हैं इसके सो पीस तैयार हो जाए तो मशीन इसके उतने सेम डायमेंशन के सो पीस तैयार करेगी और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी ऑफ हो जाएगी तो ऐसे ऑटोमेशन के फ़ील्ड में बहुत सारे फील्ड हमारे हो सकते हैं ऑटोमेशन के फील्ड में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा ऑटोमेशन के फ़ील्ड में और बहुत सारे हमारे फील्ड आ जाते हैं जैसे इंडस्ट्रियल फ़ील्ड में है ना इंडस्ट्रीज़ में हमारा यूज़ किया जाता है इसका इंडस्ट्रियल फ़ील्ड में इसका यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक फ़ील्ड में इसका यूज़ किया जाता है इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चरल फ़ील्ड में इसका यूज़ किया जा सकता है है ना एंटरटेनमेंट फील्ड में इसका यूज़ किया जा सकता है एंटरटेनमेंट में ठीक है और एरोनोटिकल में ठीक है हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में साइंस एंड रिसर्च के फील्ड में बहुत सारे फील्ड में इसका यूज किया जा सकता है यानी अब हम देख रहे हैं बहुत सारे फील्ड में प्रचलन है पीएलसी का जो प्रचलन है गया एल पीएलसी का जो यूज है, बढ़ गया है। कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा फील्ड नहीं गया हमारे एप्लीकेशन फील्ड वो हमने यहाँ पे लिख दिए बाकी यहाँ पर जो हम मेनली जो डिस्कस करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मशीन की कंट्रोलिंग के लिए है ना पैकेजिंग के लिए मटेरियल के लिए मोल्डिंग में पेपर मिल में टेक्सटाइल मिल में इसके अलावा हमारे जितने भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें पैकेजिंग के लिए बहुत सारे कामों के लिए पी का यूज किया जाता है क्लियर है भाई उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट है हमारा एडवांटेज ऑफ पी यानी पी के एडवांटेज क्या है ये क्वेश्चन दो, दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है तो सीधे सीधे पूछ लिया कि पीएससी के एडवांटेजेस बताइए क्या क्या है या पूछ दिया रिले की तुलना में पीएलसी के एडवांटेज बताइए तो सबसे पहली बात तो फास्ट ऑपरेशन फास्ट ऑपरेशन सारे में जो इसके एडवांटेज है वो लिखती जा रही हूँ हाँ स्पीड की स्पीड बहुत ज्यादा है क्विक रेस्पॉन्स क्विक रेस्पॉन्स हाई रिलायबिलिटी उच्च विश्वसनीयता हिंदी में भी इसको लिख देंगे जहां दिक्कत है बताते चलेंगे आपको हाई क्या? इजीली आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं अपग्रेड कर सकते हैं इजीली अपग्रेड या इजी अपग्रेड अपग्रेडेशन लिखे तो ज्यादा आसान है इजी अपग्रेडेशन ठीक है इसमें आसानी से आप बदलाव कर सकते हैं ठीक है और लेस कनेक्शन इसमें नंबर ऑफ कनेक्शन की आवश्यकता नहीं ज्यादा कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती ठीक है तो ये बहुत सारे हमारे क्या है एडवांटेज है क्लियर है भाई तो हमारी पीएलसी जो है इसके बहुत सारे फायदे हैं पीएलसी की वजह से क्या हो गया हमारे ह्यूमन एफर्ट एफर्ट ये भी आप लिख सकते हैं मानव रिड्यूज ह्यूमन एफर्ट ठीक है देख लेते हैं यानी कम मानव प्रयासों की आवश्यकता कम मानव प्रयासों की यानी आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने आप मशीन आपका ऑटोमेटिक काम करती रहेगी ठीक है उच्च विश्वसनीयता होगी हाई रिलायबिलिटी का मतलब है उच्च विश्वसनीयता ठीक है ठीक है लेस कनेक्शन यानी कम कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी और इसके अलावा इजीली आप सरलता से सरलता से इसे सरलता से बदलाव किया जा सकता है यानी अपग्रेड किया जा सकता है इसका ऑपरेशन तीव्र प्रचालन है इसका तीव्र प्रचालन उच्च स्पीड उच्च गति की है ये ठीक है और इसका रेस्पॉन्स तेज है तेज प्रतिक्रिया तीव्र प्रतिक्रिया बेसिकली से लिखेंगे तीव्र प्रतिक्रिया बाकी और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, बेटर परफॉर्मेंस रिले की तुलना में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है ठीक है ये सारे हमारे क्या है एडवांटेज है पी के तो आप इसे कह लीजिए तुलना में या पी के जनरल एडवांटेज यानी लाभ यहाँ पर दिए गए हैं आप इसके कुछ दोष भी यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इसके क्या है डिसएडवांटेज भी होते हैं हालांकि पीएससी के डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज की तुलना में बहुत कम है पहला यहां पर दिया है हमारा पहला पॉइंट क्या है कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है एक रिले की तुलना में अगर हम देखें तो एक रिले की तुलना में एक पीएलसी की कोस्ट क्या होती है बहुत ज्यादा होती है ठीक है अब अगर हम टू मैक्सिमाइज पीएलसी परफॉर्मेंस नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल टू बी एडेड यानी इसमें क्या जरूरत पड़ती है दूसरा पॉइंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ती है यानी अगर आप चाहते हैं वैसे तो पीएलसी के अंदर अपने खुद के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है क्या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मतलब है यानी जब हम पीएलसी की बात करते हैं तो पीएलसी के साथ हम बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसके साथ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल करने की आवश्यकता पड़ जाती है इसके अलावा पीएलसी होल्ड ओनली वन कॉपी ऑफ प्रोग्राम यानी इसके द्वारा केवल एक ही प्रोग्राम पर यह कार्य करती है जैसे हमने बताया ना कि हमारी जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम पे काम कर सकता है तो ऐसा नहीं है तो ये हमारे क्या है डिसएडवांटेजेस हैं क्लियर ये क्या है सब डिसएडवांटेजेस क्लियर तो आप देख रहे हैं इसके मुकाबले इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं ठीक है, है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हाँ बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत सारे और एडवांटेज भी लिखे हैं वेरी गुड बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है बच्चे हमारे अभय प्रताप सिंह वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिखा है लो पावर कंजप्शन बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है अभय आपने लो पावर कंजम्प्शन यानी इसमें पावर की जो खपत है वो बहुत कम होती है कम पावर की खपत बहुत अच्छा पॉइंट बेटा आपने लिखा है वेरी गुड कम पावर खपत इसके अलावा भी बच्चों ने कुछ पॉइंट लिखे बहुत सारे एडवांटेज हमारे हो सकते हैं कम्युनिकेशन कैपेसिटी है बहुत सही है लो पावर कंजप्शन ठीक है जी होस्ट आई एम डी ही पढ़ाऊंगी ठीक है आई एम डी की क्लास आपकी होगी ठीक है भाई चलिए ठीक है तो ये था हमारा कि पीएलसी क्या है पीएलसी के एप्लीकेशन पीएलसी के लाभ पीएलसी के दोष ये पीएलसी का पूरा टॉपिक है अगर पीएलसी का क्वेश्चन आपसे आता है तो आप पाँच नंबर में जितना ज्यादा से ज्यादा लिखते लिख सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा बनाने की इसको आपको कोशिश करनी है अब बात कर लेते हैं पीएससी के ब्लॉक डायग्राम या पी के आर्किटेक्चर की ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम या कह लीजिए आर्किटेक्चरल डायग्राम आप पीएलसी के अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है देखिए ब्लॉक डायग्राम क्यों आता है जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम से हमें ये पता चल जाता है इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं यानी ब्लॉक के द्वारा हम उसके मुख्य भागों को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि मुख्य भाग क्या कार्य करते हैं और आपस में किस प्रकार कनेक्टेड है तो पीएससी के जो मुख्य भाग है यहाँ ब्लॉक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं अगर पीएलसी का क्वेश्चन आता है तो समझ जाइएगा बिना कहे आपको ये डायग्राम तो बनाना ही बनाना है देखिए पी की जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं इंटरनल संरचना जो है इसकी वो काफी हद तक हमारे कंप्यूटर के जैसी होती है जैसे कंप्यूटर में आपका या प्रोसेसर होता है सिमिलरली हमारे इसके अंदर भी प्रोसेसर होता है जिसके द्वारा सारे जो भी कार्य हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं तो इसका जो मुख्य भाग है इसका जो कह लीजिए मेन पार्ट है वो हमारा क्या है प्रोसेसर होता है बाकी इसको पावर देने के लिए पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है जैसे आप कंप्यूटर को पावर नहीं देंगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा सिमिलरली पीआईसी को पावर देने के लिए डीसी पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है फिर नीचे आपको ब्लू ब्लॉक में दे रखा है प्रोग्रामिंग डिवाइस अब हमने बताया कि जो पी है वो एक विशेष प्रोग्राम के लिए ही डिजाइन की जाती है यानी इसके द्वारा आप विशेष कार्य को करने के लिए इसे प्रोग्राम करते हैं तो वो प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग डिवाइस द्वारा डाला जाता है प्रोग्रामिंग डिवाइस हमारी दो प्रकार की हो सकती है इनको लिख लीजिएगा मैंने इस लिखा का पेन लेकर बैठना है तो प्रोग्रामिंग डिवाइस हमारी दो प्रकार की हो सकती है जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना महान वही है जिसके पास लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट हो प्लस जिसके पास जो पॉइंट हो बाकी सारे स्टूडेंट्स के मुकाबले डिफरेंट हो थ्योरी सब लिखेंगे कहानी सब लिखेंगे आपको लगता है कॉपी भरना ही हमारा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन कॉपी को भरना इस तरीके से है कि कॉपी में आपको मेन मेन पॉइंट लिखने हैं थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिखनी लेकिन जितनी थ्योरी लिखी है उतनी आप सॉलिड लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग डिवाइस हमारी दो प्रकार की होती है पहली हैंड हेल्ड डिवाइस हैंड हेल्ड क्या कहेंगे हैंड हेल्ड नाम समझ में आ रहा है हैंड हेल्ड यानी इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हस्तचालित हैंड हेल्ड का मतलब है जिसको हाथ में पकड़ा जा सके मतलब तो ये चालित नहीं जिसको हाथ से पकड़ा जा सकते। या तो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है या फिर हमारे होते हैं पीसी तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं हमारी जो प्रोग्रामिंग डिवाइस या तो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है पीसी हैंड हेल्ड डिवाइस में एक एलसीडी डिस्प्ले लगा होता है जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घर पे जो हमारा स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम चल रहा है एनर्जी मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तो जो बिल देने वाला आता तो है वही पे लगा के तुरंत आपको डिवाइस लेकर आता है और उसमें तुरंत सारी डिटेल फीड करके आपको बिल निकाल के देकर जाता है इसी तरीके से सिमिलरली इतना बड़ा हमारा एक डिस्प्ले डिवाइस टाइप होता है प्रोग्रामिंग डिवाइस ये इंडस्ट्रीज में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है ऐसी जगह जहाँ पर जो हमारे सर्किट हैं बहुत बड़े हैं मशीनरी बहुत बड़ी है डिवाइस उन मशीनरी को वहाँ तक ले जाना पॉसिबल नहीं है तो हैंड हेल्ड डिवाइस द्वारा वहीं पर इंडस्ट्रियल स्पॉट पर यानी स्थल पर जाकर ही साइट पर जाकर ही हम प्रोग्राम में बदलाव कर सकते हैं दूसरा हमारे पीसीज पर्सनल कंप्यूटर मोस्ट ऑफ़ दी केसेस में पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है तो प्रोग्रामिंग डिवाइस हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से आप संबंधित प्रोग्राम को पीएलसी के प्रोसेसर या उसकी इंटरनल मेमोरी में क्या करते हो स्टोर करते हो डन फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट मॉड्यूल दूसरा है हमारा आउटपुट मॉड्यूल इनपुट मॉड्यूल हमारी वो है जहां पर हम इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो जितनी भी हमारे इनपुट डिवाइसेस से मिलने वाले सिग्नल्स हैं यानी फ्रॉम सेंसर्स जैसे कि हमारे स्विचेस सेंसर्स यानी जो हमारे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पर ले रखे हैं थर्मोकपल आर टी डी लिमिट स्विचेस एटसेट्रा सारे कहाँ हमारे इनपुट डिवाइस या सेंसर की श्रेणी में आते हैं तो इनपुट डिवाइस या सेंसर से मिलने वाला जो सिग्नल है वो कहाँ दिया जाता है इनपुट मॉड्यूल यानी इनपुट मॉड्यूल का मतलब हमारे इनपुट डिवाइस से सिमिलरली आउटपुट प्राप्त करने के लिए आप जिनका उपयोग करते हैं वो हमारे आउटपुट मॉड्यूल की कैटेगरी में आते हैं तो आउटपुट मॉड्यूल में हमारे क्या आते हैं कॉन्टेक्टर वॉल्स मोटर्स एक्चुएटर डिस्प्ले एलईडी एल सी डी ये सारे हमारे आउटपुट मॉड्यूल के अंतर्गत ही आते हैं तो ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना और जरूर बनाकर आना है क्लियर है ठीक है तो पीएलसी क्या है पीएलसी का हमने क्या पढ़ लिया ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर डायग्राम और पीएलसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस पढ़ लिए अब बात कर लेते हैं आगे हम अपने पीएलसी के एडवांटेज यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि पीएलसी के रिले के मुकाबले क्या क्या एडवांटेज है वह रिले में हार्ड वायरिंग का यूज़ किया जाता है तो पीएलसी में बहुत कम वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पीएचसी सॉफ्टवेयर बेस्ड है यानी डिजिटल लॉजिक पर कार्य करती है लेकिन जैसे कि आपने डिसएडवांटेज में पढ़ा कि पीएलसी के साथ कई बार हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस फिजिकली कनेक्ट करनी पड़ती है यानी भौतिक रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो इसमें भी वायरिंग का उपयोग किया जाता है लेकिन बहुत कम वायरिंग होती है रिले में अगर आपको सर्किट में कोई बदलाव करना हो बहुत मुश्किल होता था पीएलसी में अगर आपको कोई बदलाव करना तो प्रोग्रामिंग डिवाइस की मदद से आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं ये रिले जो है ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी पीएलसी से बने जो हमारे परिपथ होते हैं वो कम पावर कंज्यूम करते हैं इनकी मेंटेनेंस की आवश्यकता देख रेख की ज्यादा पड़ती थी पीएलसी में हमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सॉलिड स्टेट पे काम करती हैं डिफिकल्ट टू एक्सपेंड यानी अगर आपको परिपथ में बदलाव करना है परिपथ को बढ़ाना है तो वो मुश्किल होता था इसमें एक्सपेंशन यानी परिपथ का विस्तार करना बहुत ज्यादा आसान होता है यहाँ एक्सपेंशन से मतलब है लिख लीजिए क्या है विस्तार से विस्तार विस्तार करना क्या है मुश्किल होता ठीक है क्लियर अब बात कर लेते हैं हमारे किसकी इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ठीक है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ पीएलसी यानी पीएलसी को किन किन भाषा द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या पांच तरह की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है पहली है एल डी यानी कि लैडर डाइग्राम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं पहले ठीक है एल डी डायग्राम डाइग्राम सबसे पहली दूसरी हमारी एस एफ सी तीसरी हमारी एफ बी डी चौथी है हमारी एस टी और लास्ट है हमारी आई एल यह है लैडर डायग्राम लैडर डायग्राम. दूसरी है सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट तीसरी है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम या फंक्शनल भी कहते हैं एक ही बात है ना फंक्शन ब्लॉक डायग्राम एसटी का मतलब है स्ट्रक्चर टेक्स और लास्ट है इंस्ट्रक्शन लिस्ट ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसको भी आपको देखकर जाना है एक बार एटलीस्ट ज्यादा भी कुछ नहीं आपको जो पांचों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पता होनी चाहिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है जिस भाषा में आपका प्रोग्राम लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं बेसिकली प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आप बात करते हैं किसी एक प्रोग्राम की तो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है और वो इंस्ट्रक्शन हमारा पी एक सिक्वेंशियल मैनर में परफॉर्म करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत आसान सा एक्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ सभी को मोस्टली आती होगी हॉस्टल वाले बच्चे तो जानते होंगे अगर चाय बनाने का प्रोसेस है तो चाय बनाने का प्रोसेस आप अपनाते होंगे बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन उसमें स्टेप होते हैं यानी पहले आप गैस ऑन करेंगे फिर आप जो भी पैन है बर्तन लेंगे उसमें पानी डालेंगे चाय पत्ती डालेंगे चीनी डालेंगे दूध डालेंगे बॉईल करेंगे पक जाएगी उतार लेंगे छान लेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी प्रोसेस की बात करें वो क्या होती है स्टेप बाय स्टेप होती है सिमिलरली जब हम पीएलसी के प्रोग्राम की बात करते हैं तो पीएलसी के प्रोग्राम में भी बहुत सारी क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इंस्ट्रक्शन एक निश्चित क्रम में यानी सिक्वेंशियल मैनर में ही परफॉर्म की जाती हैं तो प्रोग्राम करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें बहुत सारे निर्देश इंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं निर्देश यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है बहुत सारे जो निर्देश है वो लिखे होते हैं और पी निर्देशों को यानी इन इंस्ट्रक्शन इन को एक निश्चित क्रम में यानी सिक्वेंशियल मैनर में परफॉर्म करता है तो बेसिकली जिस भाषा में प्रोग्राम हमारा लिखा होता है बहुत सही सूरज कुमार बिंद बहुत बढ़िया अभय प्रताप सिंह ने भी आंसर किया है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा लगा आई एम डी क्लास यूट्यूब पर कब होगी सत्य प्रकाश जी जानकारी मिल जाएगी आपको हमने बता दिया था इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि तो टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पाई जैसे ही आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपकी क्लास तुरंत ही कंडक्ट हो जाएगी और एमडी की क्लास आप चिंता ना कीजिए मैं लूंगी और बहुत बढ़िया धुआंधार तरीके से एमडी की क्लास लेंगे इतने अच्छे तरीके से आपको एमडी कराने वाले कि पूरा पूरा सिलेबस आपको दिमाग में छप जाएगा बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आई में ठीक है तो यहाँ पांच तरह की हमारी लैंग्वेजेस हैं जिनके द्वारा हम पी को प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएससी की वो है लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग और इस पर ही हमें ज्यादा फोकस करना है ये क्वेश्चन जो है दो तरह से बन सकता है या तो सीधे सीधे आपसे पूछ ले लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग है क्या सीधे सीधे ये पूछ लिया ले, लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग को समझाओ बाकी से हमें मतलब नहीं है या ये क्वेश्चन बन सकता है कि पी की प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी है समझाइए तो दोनों ही तरह से देखा जाए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन कवर करा दे रहे हैं पहला है हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो है लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है मोस्टली पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सटीक विधि है और मोर एक्यूरेट मेथड है लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग में जितनी भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है ये क्या होती है सॉफ्टवेयर के रूप में ही होती है डायग्राम प्रोग्रामिंग में जो भी हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम होता है वो लेडर नुमा यानी कि आकार का होता है जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ क्या होती है? हमारी वर्टिकल रेल्स है ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं क्या है रेल यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आपको शायद डायग्राम में छोटा दिख रहा हो आप इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया ये जो दो हमारी वर्टिकल लाइन है इनको क्या कहते हैं रेल ठीक है ये जो होती है हमारी वर्टिकल लाइन जिनको रेल कहा जाता है ये रेल हमारी पावर कनेक्शन या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को शो करती है क्लियर उसके बाद आप देख रहे हैं प्रत्येक सर्किट को प्रदर्शित करने के लिए इन रेल के बीच में होरिजेंटल लाइन यानी शैतिज रेखाएं भी दिखा रखी है ये क्षैतिज रेखाएं जो है इन्हें कहते हैं रंग क्या कहते हैं रंग तो किसी भी प्रोग्राम में क्या होते हैं बहुत सारे हमारे कनेक्शन होते हैं सर्किट होते हैं तो एक सर्किट को प्रदर्शित करने के लिए एक रंग का उपयोग किया जाता है तो किसी भी लेडर डायग्राम में क्या होती है दो तो हमारी क्या होंगी रेल होंगी वर्टिकल लाइन और उसमें बहुत सारी क्या हो सकती है ओरिजेंटल लाइन जिनको हम क्या कहते हैं और इनके अंदर लेफ्ट साइड अगर हम देख रहे हैं यानी लेफ्ट साइड की जो हमारी रेल है यहाँ इस तरफ हमारी लगी होती है क्या इनपुट डिवाइस अब इनपुट डिवाइस के केस में हमने बताया था इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकती है हमारी सेंसर्स हो सकती हैं या हमारे स्विचेस हो सकते हैं तो इधर साइड यानी लेफ्ट साइड लेटर डायग्राम में क्या लगी होती है हमारी इनपुट डिवाइस और इस तरफ यानी राइट साइड हमारे क्या लगी होती है आउटपुट डिवाइस ठीक है तो में, जो हमारा और बहुत सारी आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है जैसे आप यहां देख रहे हैं दो इनपुट हमारी इनपुट वन एक स्विच है इनपुट टू और एक हमारी क्या है आउटपुट इसके केस में देख रहे हैं इस वाले रंग में एक इनपुट दो इनपुट दो इनपुट है एक आउटपुट यहाँ एक आउटपुट दो इनपुट यानी प्रत्येक आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगी होती है एक या एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा हमारी इनपुट का उपयोग किया जा सकता है क्लियर तो ये हमारा क्या कहलाता है लेडर डायग्राम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एस एस सी सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं इस तरह का फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं आपने फ्लो चार्ट पढ़े भी होंगे शायद एट क्लास में कुछ स्कूल्स में सिलेबस में डाला जाता है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में क्या होता है जो भी प्रोग्राम है वो एक फ्लो चार्ट के रूप में दिया होता है फ्लो चार्ट का मतलब है कि जितने भी उसके स्टेप हैं यानी जो भी उसमें महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उनको एक कह लीजिए फ्लो के रूप में दिखाया जाता है जैसे अगर हम चाय बनाने की बात करें तो भाई पहला स्टेप क्या होगा कि मैंने बताया गैस को ऑन करना है या जहाँ चूल्हे पे अंगूठी अंगीठी पे इंडक्शन पे जहाँ भी आप बनाना चाह रहे हैं आप उसको ऑन करेंगे फिर पैन लेंगे फिर प, वाटर लेंगे फिर आप चाय पत्ती जो भी चीज देंगे इनग्रेडियंट्स लेंगे इन शॉर्ट मैं कहूं फिर उनको आप बॉयल करेंगे बॉयल होगी तो आप क्या करेंगे उतार लेंगे बॉईल नहीं होगी तो दोबारा बॉईल करेंगे और ज्यादा पकाएंगे तो हमने क्या करा हर एक स्टेप को कैसे दिखा दिया एक ब्लॉक के के रूप में, फ्लो के रूप में में कह लीजिए फ्लो दिखा दिया तो यहाँ जो हमारा फ्लो चार्ट एक जनरल प्रोसेस के लिए दिखा रखा है जहां किस तरीके से सबसे पहले स्टार्ट बैच फिर चेक रिएक्टर दो कंडीशन आ सकती है कि एम्पटी है या नहीं है इस तरीके से हम क्या करते हैं हर एक स्टेप को फ्लो में दिखाते जाते हैं ठीक दूसरा जो हमारा यहाँ पर एक और लैंग्वेज दिखाई हुई थी वो है एफ बी डी यानी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के केस में जो भी हमारा महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं उन्हें ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित करते हैं यानी जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच संबंध है या कह लीजिए जो भी प्रोसेस है उसको हम ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक जो है हमारा प्रत्येक स्टेप को प्रदर्शित करता है उसके बाद एस टी और आई एल क्या है एस टी हमारी है स्ट्रक्चर टेक्स्ट स्ट्रक्चर टेक्स्ट का मतलब है कि जब हम प्रोग्राम को किस में लिखें टेक्स्ट के रूप में लिखें ठीक है यानी टेक्स्ट बेस्ड की जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी क्या कहलाती है स्ट्रक्चर टेक्स्ट कहलाती है बेसिकली जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं कभी आपने सिस्टम ऑन करा आप सभी ने कंप्यूटर लैब में जरूर प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे बहुत सारे प्रोग्राम बनाने सीखे होंगे तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने पर कुछ लिखा आता है प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग प्रोग्राम है वो हालांकि हमें समझ में नहीं आता तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि भाई हाई लेवल है हमें समझ में नहीं आएगी यानी जनरली जो यूजर्स हैं उनको वो लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती उनको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती है नॉर्मली स्ट्रक्चर टेक्स्ट के रूप में लिखी हुई है जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है इसका मतलब क्या आपको ये तो पता है हमारे टेक्स्ट है यानी इंग्लिश में कुछ लिखा है लेकिन आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा यानी स्ट्रक्चर टेक्स्ट के रूप में हम क्या करते हैं प्रोग्राम को लिखते हैं और साथ साथ इनमें कुछ सिंबल्स का यूज भी किया जाता है लास्ट है हमारी आई एल आई एल यानी लिस्ट, लिस्ट, क्या होती है इंस्ट्रक्शन लिस्ट क्या होती है कि जिसमें प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन की लिस्ट बना ली जाती है कि भाई पहले मूव ये फिर लोड फिर एड सब्रैक्ट कंपेयर यानी हमने क्या करा इंस्ट्रक्शन जो है निर्देश जो है उनको क्या कर ली उनकी एक शॉर्ट फॉर्म बना ली जिनको निमोनिक्स कहते हैं और इन इंस्ट्रक्शन की एक क्या बना ली लिस्ट एक सीक्वेंस में बना ली कि पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये फिर ये यानी इंस्ट्रक्शन की एक लिस्ट बना लेते हैं और ये जो इंस्ट्रक्शन होती है वो संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है यानी इंस्ट्रक्शन जो होती है संक्षेप में या कह लीजिए शॉर्ट में लिखी जाती है शॉर्ट फॉर्म इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है और इन इंस्ट्रक्शन की एक लिस्ट सी बना देती है इसको हम क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट क्लियर तो इस तरीके से जो हमारा पी है उसको कई तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है तो हमारी ये सारी क्या थी पी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर हमारे हैं पी एल सी यानी पी एल सी की निर्माणकर्ता कंपनी कौन सी है मैन्युफैक्चरर्स यानी पी एल सी की पी एल सी के निर्माणकर्ता इसकी निर्माणकर्ता कंपनी कौन कौन सी है बहुत सारे देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की पीएलसी जो है उनका निर्माण किया जाता है हमारे इंडिया में भी बहुत सारी पीएलसी का निर्माण किया जाने लगा है तो कुछ हमारे जो टॉप मैन्युफैक्चरर हैं वो और उनका ओरिजिन यानी वो कौन से देश से संबंधित है कौन से देश से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा है एबीबी जो कि जर्मनी की कंपनी है एलन ब्रैडली ठीक है तो इनका ओरिजिन भी लिख देते हैं एबीबी हमारी जर्मनी की कंपनी है सॉरी स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये यूएस से है ये स्विट्जरलैंड से है ठीक है उसके अलावा हमारी और भी कंपनीज हैं जो कि पीएलसी का निर्माण करती हैं सीमेंस है हमारी जो कि जर्मनी से है सीमेंस के लिए आपने सुना भी होगा काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट है ये बनाती हैं इसके अलावा मित्सुबुशी मित्सुबुशी जो कि हमारी जापान की कंपनी है ठीक है इसके अलावा, अलावा तोशिबा ये भी हमारे जापान की है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं मैंने बताया ना जिनके द्वारा पीएलसी का निर्माण किया जाता है इटैची भी जापान की है जापान के तो बहुत सारे हैं ए वगैरह भी आपने सुनेंगे अटैची के एसी होते हैं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं के होते हैं क्लियर तो ये क्या हमारी पीएलसी की निर्माणकर्ता कंपनियां डन किसी जगह यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं तो नहीं भाई तो पीएलसी के मैन्युफैक्चरर की भी हमने बात कर ली क्लियर ठीक यहाँ पर हमारी क्या होती है फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई यूनिट टू की बात करते हैं यूनिट टू यूनिट है हमारी इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन सेट तो हमने बताया ना कि प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है निर्देशों का जो समूह है वो क्या कहलाता है प्रोग्राम कहलाता है जैसे मैं बच्चों को हमेशा का एग्जाम्पल देती हूँ भाई मैंने आपको कहा कोई ए बी सी कोई एक्स वाई जेड कोई लड़का है कोई स्टूडेंट है मैंने उसको कहा कि बेटा पहले क्लासरूम में जाना मेरे वहां से जो लॉकर है वहां से एक लेटर लेना

वो लेटर उठाओ फिर उसको उठाना है उसको उठा के पोस्ट ऑफिस लेकर जाना है फिर वहां से आते वक्त फिर आपको एक फाइल भी रिसीव करनी है वो फाइल और जो हमारी रिसिप्ट होगी रसीद उसको वापस मेरे यानी यहाँ पूरा जो प्रोग्राम है उसमें हमने बहुत सारी कह दी थी इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन का जो सेट है निर्देशों का जो समूह है वही क्या कहलाता प्रोग्राम कहलाता है अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा सिक्वेंस यानी जो हमारा जो भी प्रोग्राम प्रोग्राम है वो एक निश्चित क्रम में ही परफॉर्म होगा ऐसे नहीं है, सेट है जिनका उपयोग हम पी को प्रोग्राम करने के लिए करते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन के समूह यानी कौन कौन से हमारे के समूह है जिनका उपयोग हम पी को प्रोग्राम करने में करते हैं बेसिक टाइप ऑफ कुछ इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है लेच इंस्ट्रक्शन लेच इंस्ट्रक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए जैसे कि हमने बताया पी का उपयोग बहुत ज्यादा हम कहाँ करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल फील्ड में करते हैं और हम सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी मोटर बहुत सारे हमारे आप बात करेंगे इंडस्ट्रियल फील्ड में मोटर का जो यूज है बहुत ज्यादा किया जाता है आपको पता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा हमारी यूज की जाती है इंडस्ट्रियल फील्ड में तो हमारे जितने भी मोटर्स हैं इनकी ऑपरेटिंग इनके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम पी का यूज करते हैं तो मोटर को अगर आपने कभी देखा है मशीन लैब में आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हो तो आपको पता होगा जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता होगा हम मोटर को स्टार्ट या ऑन या ऑफ करने के लिए पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं जितने भी हमारी हैवी रेटिंग की हैवी कैपेसिटी की मोटर होती है उनको स्टार्ट करने के लिए पुश बटन का उपयोग किया जाता है तो आपने देखा होगा कि मोटर में दो तरह के बटन होते हैं एक स्टार्ट करने के लिए एक स्टॉप करने के लिए यानी एक बटन तो ऐसा होगा जो कि ग्रीन कलर का होगा जिसकी सहायता से हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और एक हमारा रेड कलर का होता है जिसकी सहायता से हम मोटर को स्टॉप करते हैं क्लियर अब आपने देखा होगा जैसे आप हरे रंग के बटन को प्रेस करते हैं स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं आप उसे पुश करते हैं और पुश करके छोड़ देते हैं पुश करने पर सर्किट कंप्लीट हो जाता है लेकिन जब आप पुश बटन को छोड़ते हैं यानी वो वापस अपनी स्थिति में आ गया उसके बाद भी आपकी मोटर चालू ही रहती है और कब तक चालू रहती है जब तक कि आप लाल वाला बटन यानी जो आपने स्टॉप बटन है जब तक उसको आप नहीं दबाएंगे तब तक आपकी मोटर चलती रहेगी यानी पुश बटन के कॉन्सेप्ट में जो सर्किट है वो हमारा होल्ड कंडीशन पे आ जाता है यानी आपने बटन को प्रेस किया सर्किट हमारा चालू हो गया अब आपने बटन को छोड़ दिया तो भी हमारा सर्किट होल्ड अवस्था में है और उसी कंडीशन पर काम कर रहा है कब तक जब तक जब कि आप उसे वापस से ऑफ ना कर दें सर्किट को डिसकनेक्ट ना कर दे कह लीजिए स्टॉप बटन ना दबा दें जो भी आप करें तो बेसिकली ये जो प्रक्रिया है ये हमारी कहलाती है लैच कंडीशन सेट एंड रीसेट भी कहते हैं वेरी गुड ओमरोन भी है हाँ भाई बहुत सही बताया बच्चे ने ओमरोन भी हमारी जापान की कंपनी है ओमरोन भी है ये भी जापान और कंपनी है तो जापान की तो बहुत सारी हमारी कंपनीज हैं ठीक है यो तो शिबा भी है, तो है रिलायंस भी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए तो बेसिकली हम बात कर रहे थे लैच इंस्ट्रक्शन की और लैच में हम बात कर रहे थे किसकी अपनी सेट रीसेट की ठीक है Osionfish. तो लेच इंस्ट्रक्शन को सेट रीसेट के नाम से भी जाना जाता है जी इसमें पुश बटन का उपयोग किया जाता है तो इसे हम सेट रीसेट सेट रीसेट री के नाम से भी जानते हैं जब हम बात करते हैं लेच इंस्ट्रक्शन की तो लैच इंस्ट्रक्शन का उपयोग मोटर के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा किया जाता है इसके द्वारा किसी सर्किट को होल्ड करना जो है हमारा होल्ड करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है लैच प्रक्रिया कहलाती है जैसे हमने यहाँ पर एक

तो ये हमारा लैच का सर्किट है कि जैसे आप देख रहे हैं एक चीज और ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेडर डायग्राम में सभी जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है सभी devices, सभी डिवाइस सामान्य अवस्था में प्रदर्शित की जाती है ठीक है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या हाल लगी होती है हमारी इनपुट डिवाइस और राइट right साइड किसकी बात हो रही है ये हमारे डायग्राम की बात हो रही है राइट right साइड आपकी क्या लगी होती है आउटपुट डिवाइस तो यहाँ नॉर्मल अवस्था या सामान्य अवस्था का मतलब है यानी आपके डिवाइस जो है वो नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में शो की जाती है नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है आपने स्विचेस सुने होंगे क्या रिले भी सुनी होंगी क्या एनओ एन सी इसका मतलब क्या है ओपन और इसका मतलब क्या है Normally close. है ना ये आपने पढ़ रखा है ना एन सी एनओ का मतलब तो तो नॉर्मली का मतलब है कि सामान्य अवस्था में जब तक इसको कोई सप्लाई ना दी जाए एनर्जाइज ना की जाए तो इसके कॉन्टेक्ट कैसे रहेंगे नॉर्मली ओपन मान लीजिए मैं रिले का उदाहरण ले लू तो एनओ रिले का मतलब है ऐसी रिले जिसको जब तक आप सप्लाई ना दे जब तक आप सप्लाई से ना जोड़े तब तक उसके कॉन्टेक्ट कैसे रहेंगे नॉर्मली ओपन जब आप सप्लाई दे देंगे तो उसके कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे क्लोज 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 सिमिलरली इसके विपरीत दूसरी हमारी रिले 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 है है एनसी यानी नॉर्मली ऐसी relay जिसके जो सामान्य अवस्था में तो कैसे रहेंगे close रहेंगे जुड़े हुए रहेंगे जब उसको एनर्जाइज करेंगे या सप्लाई देंगे उसके कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे ओपन तो समझ में आ गया नॉर्मल अवस्था का क्या मतलब है सामान्य अवस्था का तो लेडर डायग्राम में भी जो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस शो करते हैं नॉर्मली आउटपुट का तो नहीं मतलब है इनपुट डिवाइस के लिए जरूरी है आपको ध्यान रखना है इनपुट डिवाइस को सामान्य अवस्था में यानी आपको पता चल रहा है यहाँ दोनों जो स्विचेस हैं ये नॉर्मली क्या है ओपन आप देख रहे हैं इनके कॉन्टेक्ट के बीच में गैप ये वाला जो स्विच दिखाया गया ये है नॉर्मली क्लोज क्लियर तो आप जैसे इसको सप्लाई देंगे यानी इस बटन को प्रेस करेंगे इसके प्रेस करते ही हमारी क्या होगी सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी आउटपुट को अब अगर किसी कारण से हमारा ये वापस रिलीज भी कर दिया तो इसके द्वारा सप्लाई मिलती रहती है इसलिए हम इस तरह के सर्किट को क्या कहते हैं लेट सर्किट क्लियर गुड इवनिंग हेमंत द्विवेदी जी बिट्टू राज जी कह रहे हैं रिसेंट इंस्ट्रक्शन टाइमर काउंटर जी बिल्कुल सारी बताएंगे ठीक है टाइमर काउंटर हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई ठीक है लैच इंस्ट्रक्शन इसमें एक और आती है हमारी एम सी एस एम सी आर और एम सी एस वो भी बता दूं एम सी आर और एम सी एस एम सी आर सॉरी एम सी एस और एम सी आर यहाँ इसका मतलब है मास्टर कंट्रोल सेट और दूसरी का मतलब है मास्टर कंट्रोल रीसेट तो तो बहुत सारे एक्चुएटर या बहुत सारे LED, हमारे एलईडी एलसीडी आउटपुट डिवाइस हमारे सर्किट में कनेक्ट हो सकती है यानी एक ही समय में बहुत सारे आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए भी लैटर डायग्राम बनाए जाते हैं तो यदि एक ही साथ सभी आउटपुट डिवाइस को आपको या तो सेट करना हो या रिसट करना हो इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है यानी सारी की सारी हमारी रीसेट हो जाएंगी यानी क्या हो जाएंगी ऑफ हो जाएगी और एमसीएस का मतलब है सारी की सारी हमारी सेट अवस्था में आ जाएंगी तो ये हमारी एमसीएस या एम इंस्ट्रक्शन कहलाती है क्लियर अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी इंस्ट्रक्शन शुरू होती हैं वो है हमारी टाइमर इंस्ट्रक्शन काउंटर इंस्ट्रक्शन तो सबसे पहले हम टाइमर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है देखिए जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की तो बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो समय पर आधारित होते हैं यानी टाइम बेस्ड होते हैं ऐसे प्रोग्राम के लिए हमें जरूरत पड़ती है टाइमर की यानी आप अगर चाहते हैं कि आउटपुट मिलने पर कुछ समय की देरी हो जाए डिले प्रोड्यूस करना हो जब हम क्या करते हैं एक्शन को परफॉर्म होने के लिए कुछ डिले प्रोड्यूस करना चाहते हैं यानी मैं मान लीजिए हम एक छोटा सा सर्किट ऐसा बना रहे हैं जैसे कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल बहुत बढ़िया उदाहरण है आपने देखा हो कुछ समय के लिए रेड लाइट जलती है कुछ समय के लिए ग्रीन जलती है कुछ समय के लिए येलो जलती है तो उनमें क्या है टाइम भरा गया है कितने समय बाद रेड जल जाए इतने समय बाद ग्रीन जल जाए इतने समय बाद येलो जल जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारा वॉशिंग मशीन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा टाइमर लगा होता है कि जो हमारा स्पिनिंग टब होता है जिसमें आप कपड़े धुलते हैं उसको स्पिनिंग टब के नाम से भी जाना वॉशिंग टब के नाम से जाना था सॉरी कपड़े सुखाने वाला जो होता है उसे स्पिनिंग टब के नाम से जानते हैं तो जो वॉशिंग टब होता है उसमें भी टाइमर लगता है स्पिनिंग टब में भी लगा होता है दोनों तरफ लगा होता है टाइमर तो आप जब कपड़े धुलते हैं आप तो दस मिनट का पंद्रह मिनट का बीस मिनट का टाइमर लगा देते हैं तो ये जितने भी हमारे एप्लीकेशन है इन सभी में आप टाइमर का उपयोग करते हैं तो इंडस्ट्रीज में या हमारे डोमेस्टिक फील्ड में हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं इन सभी में हम क्या करते हैं डिले को प्रोड्यूस करने के लिए टाइमर का उपयोग करते हैं तो पीएलसी के बहुत सारे प्रोग्राम में डिले प्रोड्यूस करने के लिए हम टाइमर का उपयोग करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी क्या कहलाती है टाइमर इंस्ट्रक्शन ठीक है टाइमर इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब आपको क्या करना हो आप चाहते हैं कुछ समय का डिले प्रोड्यूस हो यानी आउटपुट आपके कुछ समय बाद मिले बेटा यूट्यूब पर अवे, अवेलेबल रहेगी सरवरे आलम जी वीडियो अवेलेबल रहेगी ठीक है टेंशन ना ले क्लियर ठीक है तो यहाँ पर बात करते हैं टाइमर इंस्ट्रक्शन के टाइमर हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं क्या ऑन डिले टाइमर ऑन डिले टाइमर या ऑफ डिले टाइमर ऑन डिले टाइमर या ऑफ डिले टाइमर से मतलब यह है कि आप चाहते हैं किसी डिवाइस को ऑन होने में जो देरी हो वो हमारी क्या कहलाती है ऑन डिले किसी आउटपुट डिवाइस को ऑफ होने में जो देरी है वो हमारी कहलाती है ऑफ डिले तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट डिवाइस इतने समय बाद ऑन हो जाए तो उसके लिए आप यूज करेंगे ऑन डिले टाइमर का या आप चाहते हैं कि इतने समय बाद आपकी जो आउटपुट डिवाइस है वो अपने आप ऑफ हो जाए तो उसके लिए यूज करेंगे आप ऑफ डिले टाइमर का टाइमर इंस्ट्रक्शन में हम टाइमर को जो है वो ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो जो टाइमर होता है वो हमारा कैसे होता है ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे टाइमर ब्लॉक का उपयोग किया जाता है तो ये हमारा टाइमर ब्लॉक होता है टाइमर ब्लॉक की अगर बात करें तो इसकी इस इंस्ट्रक्शन में हमारी एक इनपुट होगी है ना और दो इसकी क्या होती है आउटपुट इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं हमें तो यहाँ पे इसकी एक इनपुट और दो इसकी होती है आउटपुट एक होती है ई एन और दूसरी होती है डी एन Clear? यहां पर टाइमर के ठीक ऊपर यहां ठीक ऊपर हमारा लिखा होता है टाइमर का नाम अगर ये ऑन डिले टाइमर है तो लिखा होगा क्या टी ऑन यानी कि कैसा टाइमर है टाइमर ऑन ऑन डिले टाइमर है क्लियर तो यहां पे इसका नाम भी लिखा होता है टाइमर ऑन डिले क्लियर उसके नीचे लिखा होता है टाइमर एड्रेस फिर टाइम बेस ये बताएंगे आपको सारी चीजें क्या है टाइम बेस लिखा होता है उसके नीचे होता है प्रीसेट और फिर होता है एक्यूमलेटर ठीक है क्लियर है टाइमर एड्रेस ऐसे करके लिखा होता है टी फोर डैश वन किसी एक प्रोग्राम में जरूरी नहीं है केवल एक टाइमर का इस्तेमाल किया जाए किसी भी एक प्रोग्राम में दो दो से ज्यादा या बहुत सारे टाइमरों का उपयोग किया जा सकता है जैसे कि हर एक टाइमर की जब हम बात करते हैं तो हर एक टाइमर का एड्रेस अलग अलग होगा मान लीजिए आपने तीन टाइमर इस्तेमाल किए हैं तो तीनों टाइमर का एड्रेस क्या होगा अलग अलग होगा तो पहले टाइमर को आप दिखाएंगे T4-1 से दूसरे को टी फोर से फिर इसी तरह से तीसरे वाले को T4-3 से दिखाएंगे तो अलग अलग टाइमर जितने भी टाइमर इस्तेमाल किए जाएंगे सबका एड्रेस अलग अलग होगा यानी प्रत्येक टाइमर का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसको हम यहाँ पर इस फील्ड में प्रदर्शित करते हैं दूसरा है हमारा टाइम बेस टाइम बेस हमारा वो वैल्यू होता है जिसके द्वारा आप क्या करते हो टाइमर में वैल्यू को फीड करते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए आप फाइव सेकेंड का डिले प्रोड्यूस करना चाहते हैं कितना डिले पांच सेकेंड का और आप चाहते हैं ये 5 का जो डिले हो वे एक एक सेकेंड करके हो यानी पहले एक फिर दो सेकेंड फिर तीन सेकेंड फिर चार और फिर पांच सेकेंड या फिर यानी आपने यहाँ पर देखा है स्पेन कितने का है वन का या आप क्या कर सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव का गैप ले सकते हैं कैसे पहले जीरो फिर जीरो पॉइंट फाइव फिर वन फिर वन पॉइंट फाइव फिर टू फिर टू पॉइंट फाइव फिर थ्री फिर थ्री पॉइंट फाइव फिर फोर फिर फोर पॉइंट फाइव फिर इसी तरीके से फाइव यानी टाइमर किस अकॉर्डिंग वैल्यू को काउंट कर रहा है वो हमारी कहलाती है टाइम बेस यानी टाइम बेस का मतलब है कि टाइमर जो इस डिले को काउंट कर रहा है वो कितने मल्टीपल में कितनी बार में काउंट कर रहा है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव का डिले लेकर काउंट कर रहा है या एक एक सेकेंड का तो वो हमारी क्या कहलाती है टाइम बेस कहलाती है प्रीसेट वो वैल्यू होती है जितने का डिले हमें प्रोड्यूस करना होता है जितने का जो डिले प्रोड्यूस करना है वही हमारा क्या कहलाता है प्रीसेट तो यहाँ टाइमर का प्रीसेट कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा यानी आप इससे पाँच सेकंड का डिले प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं दस सेकंड का करना चाह रहे हैं बीस सेकंड का ठीक है

तो किसी भी टाइमर को प्रदर्शित करने के लिए टाइमर को ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित करते हैं टाइमर की एक इनपुट होती है दो आउटपुट होती है तो टाइमर को जो इनपुट दी जाती है टाइमर बेसिकली इनपुट डिवाइस की तरह कंसिडर किया जाता है इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है इसको इनपुट दी जाती है इसकी दो आउटपुट है इनेबल और डन क्या है इसकी ये इसको कहते हैं इनेबल और दूसरी हमारी डन जब तक टाइमर आपका फंक्शन कर रहा होता है यानी टाइमर अपना काम कर रहा होता है तब तक हमारी इनेबल बिट होती है वन और डन बिट होती है जीरो जैसे ही टाइमर अपना पूरा काम परफॉर्म कर चुका होता है तब आपकी जो इनेबल बिट है वो हो जाती है जीरो और डन बिट हो जाती है वन डन का मतलब है काम हो चुका और इनेबल का मतलब है का, टाइमर अभी इनेबल है काम कर रहा है ठीक है तो यहाँ आउटपुट जो है वो है इनेबल और डन टाइमर को हम जो भी टाइप का टाइमर है उसके ऊपर ही मेंशन होता है ब्लॉक में प्रदर्शित करते हैं कि कौन से प्रकार का टाइमर है प्रत्येक टाइमर का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है टाइम बेस वो वैल्यू होती है कि कितने मल्टीपल में आपने टाइम को विभाजित किया तोड़ा है तो प्रीसेट वो वैल्यू होती है जितने डिले आप उससे प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्या करता है इस वैल्यू को स्टोर करता है और हर एक टाइम के बाद एक्यूलेटर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है इनिशियल यानी प्रारंभ अवस्था में एक्यूमलेटर का वैल्यू जीरो होता है जैसे जैसे टाइमर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वैसे वैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है और जब एक्यूमलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू बराबर हो जाती है तो टाइमर अपना फंक्शन कंप्लीट कर चुका होता है सिमिलरली अगर आपको बनाना हो किसका टी ऑफ टाइमर बनाना हो तो आप इससे बना सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही बना देंगे भाई वैसा ही हमने ब्लॉक डायग्राम ले लिया बिल्कुल सेम रहेगा कोई कुछ भी अंतर नहीं रहेगा बस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको करना पड़ेगा टाइमर ऑन टी ऑन यहाँ पे आप क्या लेंगे टी ऑफ ऑफ डिले टाइमर बनाने के लिए आप क्या कर देंगे टी ऑफ तो यहाँ पे लिख देंगे टाइमर ऑफ डिले फिर यहाँ पर टाइमर का स्पेसिफिक एड्रेस यहाँ पर भी क्या लेंगे आप टाइम बेस लेंगे यहां पर भी क्या लेंगे प्रीसेट लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे एक्यूमलेटर की वैल्यू लेंगे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है बिल्कुल वैसे ही इसकी भी दो आउटपुट हमारी इनेबल और डन होंगी

ये रिटेंटिव जो बना है किससे बना है रिटेन रिटेन शब्द से रिटेन का मतलब है रोक के रखना रिटेंशन कई बच्चों का आ जाता है रिटेंशन का मतलब होता है रोक देना तो रिटेन से बना रिटेंटिव यानी ये जो टाइमर होते थे हमारे इनके एक्यूमलेटर की वैल्यू सप्लाई बंद होने पर जीरो हो जाती थी और फिर से शुरू से काउंटिंग करता था अब ऐसे टाइमर डिजाइन किए गए जिनमें मेमोरी क्षमता हो यानी अपनी मेमोरी कैपेसिटी हो कि वो वैल्यू को रिटेन कर पाए और पावर सप्लाई मान ले कट हुई एक दो तीन सेकंड पे तो जब दोबारा पावर सप्लाई आई तो वापस वहीं से फंक्शन परफॉर्म करे जहाँ से वो कर रहा था तो इस तरह का जो टाइमर है वो हमारे रिटेंटिव टाइमर कहलाए तो रिटेंटिव टाइमर में दोनों ही टाइमर हमारे आते हैं टी ऑन और टी ऑफ क्लियर नेक्स्ट हमारी आती है काउंटर इंस्ट्रक्शन काउंटर इंस्ट्रक्शन काउंटर इंस्ट्रक्शन जो है हमारे काउंटर की फंक्शन से मतलब है काउंटर का मतलब क्या है पहले आप ये समझ लीजिए काउंटर का अर्थ है ऐसा हमारा एक डिवाइस जिसके द्वारा आप किसी इनपुट पर आने वाले क्लॉक पल्स से इनपुट पर आने वाले इवेंट को काउंट करें मान लीजिए भाई आप दस चीजें काउंट करना चाहते हैं मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सो पैन बन के तैयार हो तो सो पैन को काउंट करने के लिए तो आपको जरूरत पड़ेगी किसी चीज की तो इसी का काम आपका करता है काउंटर तो बहुत सारे परफॉर्मेंस बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे ऑपरेशन में इवेंट को या साइकिल्स को कह लीजिए इनपुट साइकिल्स को क्लॉक साइकिल्स को काउंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है काउंटर की तो काउंटर के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं काउंटर इंस्ट्रक्शन और काउंटर इंस्ट्रक्शन हमारे काउंटर हमारे होते हैं तीन प्रकार के पहला होता है हमारा अप काउंटर दूसरा होता है डाउन काउंटर और तीसरा है अप डाउन काउंटर यानी अप एंड डाउन दोनों जो काम परफॉर्म कर सके वो हमारा अप डाउन काउंटर कहलाता है पहले आप इन्हीं को समझ लीजिए कि अप काउंटर क्या है डाउन काउंटर क्या है और अप डाउन काउंटर क्या है देखिए मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि भाई दस ऑब्जेक्ट काउंट करने हैं ठीक है और जैसे मान लीजिए मैंने आपको किसी पार्किंग लॉट में जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको कॉलेज की पार्किंग में खड़ा होना है और आपको एक लड़के को कह दिया कि आपको देखना आने वाली गाड़ियाँ कितनी है और आपको देखना है जाने वाली गाड़ियाँ कितनी है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक लड़के को ड्यूटी दे दी कि भाई आपको काउंट करना है कि बिल्कुल खाली है पार्किंग लॉट और अब आपको देखना है कि कितनी गाड़ियां उसमें अंदर आ रही है तो वो कैसे काउंट करेगा एक गाड़ी आ गई एक दो तीन चार पांच छ ऐसे काउंट करेगा यानी हर बार जब भी कोई इवेंट हो रहा है इवेंट मतलब गाड़ी आ रही है तो वो क्या कर रहा है एक का क्या कर रहा है इंक्रीमेंट एक की वृद्धि एक दो तीन चार तो कैसे जा रही है काउंटिंग हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऐसा काउंटर जो काउंटिंग कैसे करे अपवर्ड डायरेक्शन में यानी हर बार इवेंट होने पर या क्लॉक साइकिल होने पर एक की क्या होती है बढ़ोतरी यानी एक का इंक्रीमेंट इसके विपरीत मैंने एक ऐसा लड़का लगा दिया ड्यूटी पर ऐसे स्टूडेंट को बिठा दिया जिससे मैंने कहा कि बेटा पार्किंग लॉट पूरा फुल है पचास गाड़ियाँ इसके अंदर है और अब आपको देखना है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं तो वो क्या करेगा डाउन काउंटिंग करेगा एक गई तो क्या करेगा उनचास उसके बाद एक और गाड़ी गई अड़तालीस फिर सैंतालीस फिर छियालीस फिर पैंतालीस चवालीस यानी वो काउंटिंग कैसे कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी ऐसा काउंटर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग करता है जिसमें क्या होता है जब भी इवेंट हैपन होता है क्लॉक पल्स आती है इनपुट साइकिल आती है तो एक का क्या होता है डिक्रीमेंट तो ऐसा काउंटर आपका क्या कहलाएगा डाउन काउंटर इसके विपरीत हमने एक और ऐसा स्टूडेंट लगा दिया जो कि दोनों ही काउंटिंग करे मैंने कहा बेटा आपको आने वाली गाड़ियों का भी हिसाब रखना है और जाने वाली का भी अब मैं उसने देखा कि भाई एक दो तीन चार पाँच दस गाड़ियां तो आ गई लेकिन साथ ही साथ दो चली भी गई तो वो क्या है आने वाली गाड़ी को भी काउंट कर रहा है और जाने वाली को तो ऐसा काउंटर जो अपवर्ड और डाउन वर्ड दोनों ही दिशाओं में काउंटिंग कर सकता वो कहलाता है यानी इसके द्वारा उनकी अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग दोनों की जा सकती ठीक है सही कह रहे हैं सरवर आलम जीरो टू अपर बॉडी तक अपर वैल्यू तो काउंट करता है जबकि जो डाउन काउंटर है वो क्या करता है अपर वैल्यू से जीरो तक काउंट करता है नीचे तक ठीक है अब टाइमर को भी हम टाइमर ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो टाइमर का ब्लॉक भी बना देते हैं भाई तो टाइमर को हम कैसे ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हमारा हमने एक ब्लॉक बनाया ठीक है तो टाइमर में भी हम यहाँ पर टाइमर के लिए लिखते हैं कि टाइमर हमारा कौन सा है सी टी यू है या सी टी अप तो अगर सी टी यू लिखा है तो क्या है काउंटर आप काउंटर है हमारा एक इसकी इनपुट होगी है ना जिसके द्वारा इनपुट पल्स हम इसको प्रदान करेंगे यहाँ पर हमारी दो आउटपुट होंगी जैसे कि हमारे टाइमर में था वैसे ही ये हमारी होती है सी यू और ये होती है डन तो सी यू का मतलब है क्या कर रहा है आप काउंटिंग कर रहा है और डन का मतलब काउंटिंग कर चुका है अब इसके अंदर भी यहाँ लिखा जाएगा ये कौन सा काउंटर है आप काउंटर

तो टर का वैल्यू इनिशियली क्या होगा जीरो जैसे जैसे आप काउंटर तो एक का क्या होगा इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू दस तक काउंट करते ही जैसे हमारा और वैल्यू हो जाएगा वैसे ही हमारी बिट हाई हो जाएगी और सीयू बिट जो है वो लो हो जाएगी मीन वाइल प्रोसेस जब तक काउंटिंग कर रहा है सीयू हमारा हाई रहेगा लो रहता है क्लियर जैसे आपने इसका बनाया सिमिलरली आपको किसका बनाना ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है सी डी का यानी अपने डाउन काउंटर का ठीक है तो हम बनाएंगे यहाँ सी CT, टी सी टी डी यानी एक ऐसा काउंटर है डाउन काउंटर इसकी भी एक इनपुट होंगी दो हमारी आउटपुट होंगी सी डी यानी काउंट डाउन और ये है हमारी डी एन यानी डन बिट यहाँ पर भी आप लिखेंगे काउंटर का नाम डाउन काउंटर ठीक है फिर आपके काउंटर का एड्रेस फिर इसकी प्रीसेट वैल्यू और फिर इसका एक्यूमलेटर ठीक सिमिलरली अगर आपको बनाना है कौन सा सी टी डी सी टी यू डी यानी जो दोनों ही काम कर रहा हो यानी अप का भी कर रहा हो और डाउन का भी काम कर रहा हो उसका भी ब्लॉक डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने यहां बनाया है ठीक है वैसे ही हम बनाएंगे तो इसकी भी एक इनपुट होंगी दो इसकी क्या होंगी आउटपुट होंगी तो यहां पे बनेगा सी टी यू ऑब्लिक डी ठीक है और यहां पर भी लिखेंगे सी टी यू ऑब्लिक डी और यहां पे लिखेंगे अप डाउन काउंटर यहां पे लिखेंगे काउंटर का एड्रेस प्रीसेट वैल्यू और एक्यूरेटर तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है तो जब भी हम लेडर डायग्राम बनाते हैं तो इन्हें भी ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है क्लियर अब इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारा इस चैप्टर से टॉपिक बनता है काउंटर और टाइमर वाला तो बनता ही है मैंने बताया यहाँ बनता है लेडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लेडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लेडर डायग्राम प्रोग्रामिंग है क्या वॉट इज लेडर डायग्राम प्रोग्रामिंग हिंदी में भी इसे लिखते हैं डायग्राम प्रोग्रामिंग तो हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि इसमें क्या होता है लेडर डायग्राम प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम होता है वो लेडर डायग्राम यानी कि सीढ़ी नुमा डायग्राम के रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं इसमें दो हमारी वर्टिकल रेल होती हैं ये ठीक है जिन्हें हम क्या कहते हैं रेल इनके बीच में प्रत्येक सर्किट को प्रदर्शित करने के लिए हमारे क्या होती है, लाइन होती है इस तरीके से. तो आप देख रहे हैंजेंटल लाइन को आप कहते हैं रंग सर्किट जो पी जो आपका इस प्रोग्राम को रीड करेगा लेटर डायग्राम प्रोग्राम को वो कैसे करेगा लेफ्ट टू राइट यानी ऐसे फिर नेक्स्ट रंग पे फिर लेफ़्ट टू राइट फिर ऐसे फिर लेफ्ट टू राइट फिर ऐसे फिर लेफ़्ट टू राइट फिर ऐसे फिर लेफ्ट टू राइट फिर ऐसे फिर लेफ्ट टू राइट और यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा ठीक है एंड को प्रदर्शित करने पर लास्ट वाले रंग में एंड इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है तो आप देख रहे हैं जो आपका सी है वो इस प्रोग्राम को कैसे प्रदर्शित करेगा लेफ्ट टू टू राइट और अपवर्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है हर एक सर्किट को ही रीड करता जाता है तो इस तरीके से जो परिपथ आपका बनके तैयार होता है वो आपका लेटर डायग्राम कहलाता है बाकी मैंने बताया था कि लेटर डायग्राम में जो प्रत्येक सर्किट होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए आप रंग का प्रयोग करते हैं किसी एक लेटर डायग्राम में एक से ज्यादा रंग भी या बहुत अधिक रंग का उपयोग किया जा सकता है इसके इसके अलावा रंग में लेफ्ट साइड यानी बाई तरफ आपकी क्या होती है इधर की तरफ आपकी इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं और इधर की तरफ आपकी आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं किसी भी डायग्राम में एक से अधिक इनपुट या एक से अधिक आउटपुट का उपयोग किया जा सकता है इसके अलावा इनपुट्स जो हमारी होती हैं जो भी डिवाइस में लगे होते हैं उनकी नॉर्मल अवस्था में ही उनको प्रदर्शित किया जाता है क्लियर जी सरबरे आलम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं सरवरआलम बिल्कुल सही बेटा अगर आपको पता है ना तो आप करें। मुझे भी अच्छा लगता है। इससे आपका अच्छी बात है लिख सकते हैं आप बिल्कुल बिल्कुल लिखिए कमेंट कर सकते हैं ठीक है कोई कोई परेशानी नहीं है बस आप आउटसाइड दॉपिकाइड सब्जेक्ट इस तरह के कोई टॉपिक की बातचीत यहाँ पर ना करें क्लियर अब पी डायग्राम, पीएलसी के जो लेडर डायग्राम है इनके अंदर ही हम लॉजिक गेट्स जो हैं लॉजिक गेट्स का भी निर्माण कर सकते हैं तो बहुत सारे लॉजिक गेट्स मैंने आपको बनाने सिखाए थे हालांकि बहुत कम चांसेस है कि आपके लॉजिक गेट आपसे पूछ जाए पर फिर भी हमें पता होना चाहिए जैसे हम एंड गेट और गेट और नॉट गेट आपको बना बना के दिखा देते हैं तो ये हमारे क्या है और गेट की हमने रियलाइजेशन बना दी तो दो इनपुट इसमें ए और बी ये हो गए आउटपुट क्या हो गई वाई और गेट के लिए हमारे क्या बनेंगे पैरेलल में बनेंगे स्विचेस जिन बच्चों ने ना डिजिटल पढ़ी होगी ना बढ़िया से उनको समझ में आ रहा होगा भाई अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं मैंने आपको लॉजिक गेट के केस में इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट भी बताए थे

ठीक है इस तरीके से हम एंड गेट और गेट नॉट गेट नैंड नोर को भी बना सकते हैं एक्सनोर एक्सनोर भी बना सकते हैं सारे ही गेट बनाए जा सकते हैं हमारे लेटर डायग्राम की मदद से क्लियर है आगे बढ़े भाई तो लेटर डायग्राम इससे बहुत इंपॉर्टेंट है यानी लॉजिक फंक्शंस भी आप लॉजिक गेट को भी प्रदर्शित कर सकते हैं लेटर डायग्राम के रूप में इसके अलावा लैच इंस्ट्रक्शन क्या होती है लैचिंग लैचिंग हमने समझा दी लेटर डायग्राम इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर हमारा टाइमर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटर इंस्ट्रक्शन और टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है इसका क्वेश्चन जरूर आता है फिर इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन की एक और इंस्ट्रक्शन जो कि हमारी उपयोग की जाती है कौन सी सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन अगर ये क्वेश्चन ना ऐसे भी बन सकता है बेटे कि पी में उपयोग होने वाले इंस्ट्रक्शन सेट को समझाइए या पी के इंस्ट्रक्शन को समझाइए तो आप बताएंगे लैच इंस्ट्रक्शन क्या है एन क्या है एनसीआर क्या है फिर आप बताएंगे इसमें टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे एटलीस्ट जब भी आप लिस्ट टाइप बनाएंगे जो पॉइंट्स लिखेंगे उसमें इंस्ट्रक्शन के नाम तो आपको सारे लिखने हैं तो जान लेते हैं सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन की सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन को भी हम ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित करते हैं ये हमारा एडवांस स्किल का एक प्रोग्रामिंग सिक्वेंसर जो है लेडर लॉजिक में एक एडवांस स्किल का हमारा इंस्ट्रक्शन है जिसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो हमारी इनपुट और आउटपुट मैंने बताया ना कई बार हम बहुत सारे प्रोग्राम में डिफरेंट इनपुट बहुत सारे मल्टीपल वेरियस इनपुट और वेरियस आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं तो उनका सिक्वेंस निर्धारित करने के लिए हम इनका यूज करते हैं सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन जो हमारी दो प्रकार की होती है एस और एस ओ यानी सीक्वेंस इनपुट और दूसरा सीक्वेंस आउटपुट को पढ़ाओ जी हितेश जी आज पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे ठीक है लेकिन पहले पीएलसी तो पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से दो क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे बनेंगे तो सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन जो हमारी होती है इसको हम भी इसको भी हम ब्लॉक डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हम बना देते हैं सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन का अपना ब्लॉक डायग्राम तो एस क्यू आई और एस क्यू ओ दोनों का ही बना देते हैं ना अभी हाल फिलहाल में हमें दोनों ही पढ़ने हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना एस क्यू आई क्या है और इसी तरीके से देखेंगे एस क्यू ओ हमारा क्या है तो इनके ब्लॉक में हमें बनाने हैं इसके इनपुट और आउटपुट तो सबसे पहले बनाएंगे इनके इनपुट एक ही इनपुट होंगे दो आउटपुट इसके इनेबल और डन होंगे इनेबल और डन तो यहाँ भी हम इनेबल और डन को प्रदर्शित कर देते हैं जिस भी टाइप के सीक्वेंसर को आप शो कर रहे हैं उसमें आप लिखेंगे है है या SQO है, तो एस क्यू आई है तो उसे ठीक है अब है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सिक्वेंसिंग कर रहे हैं आउटपुट की तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्वेंसर आउटपुट अच्छा इसके फील्ड लिख देती हूँ कौन कौन से क्योंकि छोटे छोटे हमें लिखने पड़ेगा तो क्योंकि ब्लॉक हमने थोड़ा सा छोटा बना दिया इसके फील्ड कौन कौन से हैं पोजीशन, लेंथ कंट्रोल ठीक है डेस्टिनेशन मास्क फाइल डेस्टिनेशन मास्क और फाइल वही जगह ही नहीं बची सबसे ऊपर टॉप पर जैसे हमने काउंटर और टाइमर में किया था वैसे हमें सबसे पहले इसका नाम लिखना होता है कि ये क्या है सिक्वेंसर आउटपुट है इनपुट है यानी जब भी आप ब्लॉक प्रदर्शित करोगे डायग्राम में तो लिखना पड़ेगा ऊपर सिक्वेंसर आउटपुट ये है अगर आपने एस क्यू आई ली है तो यहाँ पर भी शो करोगे कि क्या है ये सिक्वेंसर इनपुट इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद इसमें जो फाइल है सबसे पहला जो फील्ड है ये फाइल है ये हमारे क्या होता है इस जो हमारी सिक्वेंसर फाइल है इसका एड्रेस होता है

यह हमारा वो एड्रेस है जहाँ पर डेटा को पहुँचाना है कंट्रोल हमारा क्या होता है कंट्रोल फील्ड हमारा क्या है ये हमारा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस और हमारा कंट्रोल एलिमेंट यहाँ पर होता है लेंथ क्या है नंबर ऑफ स्टेप यानी कितने स्टेप सिक्वेंसर फाइल में है तीन है चार है पाँच है छः है दस है वो हमारी इसकी लेंथ कहलाती है और पोजीशन यानी लास्ट फील्ड जो है ये हमारी क्या है वर्ड की लोकेशन या स्टेप जो है सिक्वेंसर फाइल में कि वो कहाँ से या कहाँ को हमें डेटा को लेकर जाना है क्लियर है सरवर आलम कह रहे चले बहुत बढ़िया बात है क्लियर है भाई ठीक है तो हमारे ये क्या कहलाते हैं सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन इसी की तरह से हमारा होता है क्या इसको छोटा कर दें ये हमारा दूसरा है कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन एक और इंस्ट्रक्शन जो प्रयोग में लाई जाती है वो है कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन का उपयोग वहां किया जाता है जहां आपको दो डेटा के बीच या दो वैल्यू को कंपेयर करना हो तब हम करते हैं कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन का यूज क्लियर तो नाम से पता तो चल रहा है कंपेरिजन यानी जब आपको दो वैल्यूज की तुलना करनी हो तब आप करते हैं कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन का तो इसमें कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन आते हैंक्वल एनी क्यू नॉट इक्वल लिख देते हैं इक्वल नॉट इक्वल ठीक है इसी तरीके से हमारी है एल ई एस एल ई एस यानी कि लेस देन लेस देन एल ई क्यू नॉट लेस देन ठीक है जी आर टी ग्रेटर देन इसको करेक्ट कर लेना ये आएगा लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ये कंडीशन भी आ सकती है ना हमारी जब वैल्यू लेस भी हो और इक्वल भी हो लेस देन और इक्वल टू फिर आ जाएगा इसी तरह से जी आर क्यू यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू ठीक है एक हो सकती है हमारी लिमिट टेस्ट यानी आपको ये देखना हो कि जो हमारी जो भी वैल्यू है वो दी गई लिमिट के अंदर आती है या नहीं ये हमारा क्या लाता है लिमिट टेस्ट ठीक है तो ये हमारी सारी की सारी कहाँ आते हैं कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन तो सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन हुई काउंटर इंस्ट्रक्शन टाइमर इंस्ट्रक्शन और आपकी लैच इंस्ट्रक्शन और आपकी आ, मैंने बताया था मास्टर रीसेट मास्टर सेट इंस्ट्रक्शन हमारी सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन ये सारी की सारी हमारी किस में आती है इसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर आती है डन तीसरी यूनिट हमारी शुरू हो जाती है यूनिट नंबर थ्री जो कि है एम सी एस एम सी एस फिफ्टी वन यानि की माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर सीरीज फिफ्टी वन यानी बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर के बारे में ये जो चैप्टर है ये पहली यूनिट के बाद या कह लीजिए ये जो यूनिट है पहली यूनिट के बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिस पर आपको खास ध्यान देना है पहली यूनिट में से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे उसके बाद यूनिट थ्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिट थ्री से आपका डायग्राम का बेटे शुरू हो जाता है यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ मेहनत करनी पड़ेगी करता है, इंटेल. इंटेल ने एक माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज लॉन्च की जिसका नाम रखा 51, कंट्रोलर सीरीज 51. ये जो है हमारा ये आईसी के रूप में किसके रूप में आईसी के रूप में उपलब्ध है आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ये जो माइक्रो कंट्रोलर है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के रूप में मार्केट में अवेलेबल है और इसकी जो आईसी हमारी कितने की चालीस पिन की आईसी है जो कि डीआईपी यानी डुअल इनलाइन पैकेज में अवेलेबल है डुअल इनलाइन पैकेज का मतलब है कि इस आईसी में दोनों तरफ हमारी पिन है इधर भी पिन हैं और इधर भी दोनों तरफ बराबर पिन है यानी चालीस पिन की तो बीस पिन इधर बीस पिन इधर अब ये जो हमारा माइक्रो है इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं

आप बुक से नेट से कहीं से भी देख सकते हैं बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर सारी ही चर्चा आपको समझ में आ जाएगी सारी बात समझ में आ जाएगी देखिए एट जीरो फाइव वन लिखा है एट जीरो फाइव वन ये हमारा फोर्टी पिन का आईसी है तो आप देख रहे हैं पिन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस सिमिलरली इक्कीस से लेकर चालीस तक की पिन आपको यहाँ पर भी नजर आ रही होंगी तो पिन नंबर एक से बीस तक लेफ्ट साइड आपकी बीस पिने और पिन नंबर इक्कीस से चालीस तक आपकी बीस पिने राइट साइड पर दी गई हैं आप अगर देखेंगे पिन नंबर बीस जो कि जी एन डी यानी ग्राउंड पिन है और पिन नंबर चालीस जो कि वी सी सी पिन है इनको हम किसके नाम से जानते हैं सप्लाई पिन के नाम से जानते हैं है। तो माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई प्रदान करने के लिए आप इन सप्लाई पिनों यानी पिन नंबर बीस और पिन नंबर चालीस का उपयोग करते हैं

पोर्ट जो है वो कितने बिट का है आठ इनपुट आउटपुट पोर्ट की तो आपको इनका विशेष ध्यान रखना है ठीक है आप देखेंगे यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो पी वन पी वन पॉइंट वन पी वन पॉइंट टू आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं आपकी स्क्रीन यूट्यूब पे जूम हो जाएगी आप स्क्रीन को ऐसे पिन करेंगे

ये बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस और एक तैतीस तो आप देख रहे हैं यहाँ पिन नंबर उनतालीस से लेकर पिन नंबर बत्तीस तक ये जो पोर्शन है हमारा पिन नंबर बत्तीस से लेकर पिन नंबर उनतालीस तक ये रिजर्व है हमारा किसके लिए पोर्ट जीरो के लिए ठीक है छोरी लिखने में आपको मदद मिलेगी कि कौन कौन सी पिन क्या क्या काम करती है ठीक है तो हमने देखा पिन नंबर बत्तीस से उनतालीस तक कौन सी पिन है पोर्ट जीरो की यानी कि इन पिनों का इस्तेमाल पोर्ट जीरो के लिए किया जाता है यहाँ आप देखेंगे इसके नीचे पिन नंबर नाइन जो है यह है हमारी आर एस टी यानी रीसेट माइक्रो स्टोर सारे डेटा को सारी वैल्यूज को रीसेट करने के लिए हम रीसेट पिन का इस्तेमाल करते हैं बाकी आप नीचे आएंगे पिन नंबर दस से हमारा शुरू हो गया पी थ्री पॉइंट जीरो और यानी से लेके तक की जो आठ पिन ये हो गई ये किसकी हो गई हमारी पोर्ट थ्री के लिए इसी तरह से आप इधर आते हैं तो ये देखिए पी टी टू पॉइंट पी टू पॉइंट थ्री पी टू पॉइंट फोर पी टू पॉइंट फाइव पी टू पॉइंट सिक्स पी टू पॉइंट सेवन तो यहाँ से यहाँ तक की जो पिन है ये किसके लिए है के लिए. तो देखिए आपको सीधी सी सीधे एक से आठ तक पोर्ट वन दस से सत्रह तक पोर्ट थ्री उनतालीस से बत्तीस तक पोर्ट जीरो और यहाँ भी इक्कीस से लेकर अट्ठाईस तक पोर्ट हमारा टू यूज किया गया है ठीक है इसके अलावा आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्ट है वन से लेकर आठ तक की जो पीने, के जो पिन है केवल पोर्ट वन के लिए इस्तेमाल की गई है यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लियर पी वन पी वन पी वन पी वन पी वन पी वन और यहाँ भी पी वन पी वन पी वन पॉइंट जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है तो केवल इनका इस्तेमाल पोर्ट वन की तरह किया जा रहा है और किसी काम के लिए नहीं किया जा रहा है तो इसलिए इस पोर्ट को हम ट्रू पोर्ट भी कहते हैं क्या ट्रू पोर्ट क्योंकि तो इसका इस्तेमाल केवल पोर्ट वन के लिए किया जा रहा है और किसी के लिए नहीं किया जा रहा है बाकी सारे जो पोर्ट आप देख रहे हैं उन सब का इस्तेमाल पोर्ट की भांति तो किया ही जा रहा है लेकिन और कामों के लिए भी किया जा रहा है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा क्या है ए पंद्रह ए चौदह इसी तरीके से ए तेरह ये हमारा ए नाइन ए एट ए टेन ए इलेवन ए यानी इन पिनों का इस्तेमाल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी 21 से 28 तक के जो पिन हैं इनका इस्तेमाल पोर्ट टू की तरह तो किया जा रहा है लेकिन साथ साथ एड्रेस पिनों की तरह भी किया जा रहा है यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो है हमारा आर यानी रिसीवर टी यानी कि ट्रांसमीटर यहाँ देखें आई एन टी जीरो यानी टाइमर जीरो टाइमर वन राइट रीड बहुत सारे ऑपरेशन के लिए इन पिनों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अलावा एक्सटर्नल क्लॉक पल्स के लिए एक्स टी एल जी एक्स टी एल टू एक्स टी एल वन इनका ये जो हमारी पिन है अठारह उन्नीस इनका यूज़ एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस के लिए रीसेट मैंने आपको बता दिया तो हर एक जो हमारी पिन है अलग अलग फंक्शन के लिए कार्य कर रही है तो आपको ये पिन डाइग्राम प्रैक्टिस करना है बढ़िया से पिन डाइग्राम बनाएंगे बिल्कुल ऐसे बनाएंगे कि एक कॉपी पर आराम से एक पेज पे बढ़िया से पिन डाइग्राम बनाना है हर एक चीज को आपको लिखना है ये मैंने आपको बता दिया कि पोर्ट तो आप लिख लेंगे बाकी एक पिन भी आप मार्क कर देंगे क्लियर तो ये हमारा हो गया क्या इसका पिन डायग्राम। अब जब हम पिन डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें देख ली पहला तो इसमें हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं ठीक है अब हम इसमें एक देख लेते हैं इसका आर्किटेक्चर देखिए ये इसका आर्किटेक्चर आ गया इसमें सारी ही डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी तो जब हम एट जीरो फाइव किसी भी माइक्रो कंट्रोल के आर्किटेक्चर डायग्राम की बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो सारे इसके मुख्य भाग और उनके कार्य कार्याम इसमें समझ में आ जाते हैं देखिए इसका मुख्य भाग सीपी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके द्वारा आप डिफरेंट लॉजिकल सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटा और एड्रेस को भेजने के लिए डेटा बस और एड्रेस बस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है

ग्रुप ऑफ वायर्स या ग्रुप ऑफ कंडक्टर ही हमारा क्या कहलाता है हमारा बस कहलाता है तो डेटा बस एड्रेस बस और कंट्रोल बस तीन प्रकार की बस होती हैं तो आप देख रहे हैं और इसमें क्या क्या है इसमें इंटरप्ट कंट्रोल कैपेसिटी इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता मुख्य प्रोग्राम पर कार्य कर रहा होता उस समय किसी दूसरे प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आना क्या कहलाता है इंटरप्ट जैसे कि आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप जेई बन जाते हैं आप कहीं बहुत अच्छे ऑफिशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं आपका मेन प्रोग्राम चल रहा है और उसी दौरान कोई दूसरी कॉल वेटिंग में आ जाए आपके मम्मी की आपके पापा की कॉल वेटिंग में आ जाए तो क्या हुआ मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में जो दूसरी रिक्वेस्ट आई वो क्या कहलाई हमारे इंटरप्ट अब माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है उसके अंदर इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है जैसे आपके अंदर आपको पता है कि मैं जो कॉल घर से आ रही है उसे उठाना है कि रिजेक्ट करना है

फाइव इंटरप्ट होती है कितनी फाइव इंटरप्ट जिनमें से दो हमारी होती है कौन सी एक्सटर्नल और दो हमारी होती है, वो तीन होती है हमारी इंटरनल ठीक है जो एक्सटर्नल होती है उनके नाम है आई एन टी जीरो आई एन टी वन और इसकी तीन इंटरप्ट है टाइमर जीरो टाइमर वन और सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट क्लियर तो कुल cool मिला के पांच इंटरप्ट होती है उसके बाद हमने बताया था इसकी चार इनपुट आउटपुट पोर्ट है P0, P1, P2, P3, जो कि हमारे बिट के पोर्ट तो चार बिट के पोर्ट को यहाँ ब्लॉक से हमने डेवलप कर दिया दिखा दिया एट जीरो की प्रॉपर्टी भी होती है यानी इसके द्वारा सीरियली आप डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं तो उसके लिए इसमें होता है सीरियल पोर्ट जहाँ पर आप देख रहे हो टी एच डी और आर एस डी यानी डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हो और डेटा को रिसीव भी कर सकते हो बाकी एट जीरो अपनी मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी आप चाहें तो मेमोरी एक्सपेंशन के लिए मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे आपके फोन में आपके फोन का अपना इंटरनल मेमोरी है आप चाहें तो उसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं तो इसकी इंटरनल मेमोरी दो तरह से क्लासीफाई की गई है रोम एंड रैम रोम जो होता है उसको हम प्रोग्राम मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और रैम जो है उसको हम डेटा uh, मेमोरी या यूजर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं क्लियर ये था इसका क्या पूरा आर्किटेक्चर और यहाँ आप देख रहे हैं टाइमर जीरो टाइमर वन 8051 के अंदर एक खासियत है इसके पास अपने दो इनबिल्ट टाइमर होते हैं जो कि 16 बिट के टाइमर है कितने 16 बिट के टाइमर है कौन कौन से है हमारे T0 और T1 इनको आप काउंटर की तरह भी उपयोग में ला सकते हैं यानी आप एक ही समय पर या तो आप टाइमर की उपयोग करेंगे या आप इसको काउंटर की तरह उपयोग करेंगे पर एक समय पर एक ही फंक्शन उपयोग में लाया जा सकता है तो ये हमारा क्या है टाइमर्स कहलाते हैं कौन से आप कब इसको टाइमर की तरह उपयोग में लाएंगे कब आप इसको काउंटर की तरह उपयोग में लाएंगे ये यूज किया जाता है टी कॉन रजिस्टर के द्वारा बेसिकली माइक्रो कंट्रोल एट के अंदर बहुत सारे एस एफ आर होते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जिसके द्वारा आप बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं फिलहाल आप आर्किटेक्चर को समझ लीजिए आपको अच्छे से आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा जी जी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आप इंजीनियर मोहित बिल्कुल सही बताया आपने सारे इंटरप्ट के नाम क्लियर तो ये हमारी क्या है आर्किटेक्चर जिसमें हमने सारी चीजें समझ ली इंटरप्ट किया है मेमोरी इसकी बसेस समझी इनपुट आउटपुट पोर्ट समझे ऑस्किलेटर के बारे में समझा है ना ये सारे हमारे क्या है ब्लॉक हैं अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें बताई दिया इसकी दो मेमोरी है कौन कौन सी रैम एंड रोम ठीक है तो इसकी फोर के भी रोम होती है और ये वन ट्वेंटी एट की हमारी रैम होती है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें कि इसका मेमोरी किस तरीके से हमारा होता है इसका आप एक डायग्राम यहां से भी समझ सकते हैं डायग्राम जो कि इसकी एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को और इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो आ, कब हमारी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस होगी कब हमारी एक्सटर्नल होगी ये डिपेंड करता है ई e के एक्सेस पर ई e की वैल्यू पर ई e क्या है ई e है हमारा इनेबल एक्सेस ये हमारा डायग्राम में भी था देखिए अगर हम इसको मिनिमाइज करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एक पिन है पिन नंबर इकतीस जो कि ई ए को रिप्रेजेंट करती है ठीक है ये हमारी इनेबल एक्सेस है इनेबल एक्सेस पिन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल प्रोग्राम से इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी से डेटा को फीड या फैच करेगा या एक्सटर्नल से तो ई ए का स्टेटस अगर हमारा क्या है वन तो ये हमारा इस तरीके से काम करेगा और ई टू जीरो है तो केवल हमारी एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से ही डेटा को ये फैच करेगा क्लियर है हाँ जी डेटा स्टोर करने हेतु किया जाता है बिल्कुल सही कह रहे हैं मेमोरी की आवश्यकता हमें इसमें पड़ती है फिर हम बात करते हैं इसके एस एफ आर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा एस एफ एस एफ आर का पूरा नाम है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स तो टोटल ट्वेंटी वन एस एफ इसके अंदर होते हैं ठीक है कितने ट्वेंटी वन ऐसे पार्ट हमारे पास होते हैं एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो कंट्रोलर को ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है या ऐसे लिखा जाए बात एक ही क्लियर तो हमारे पास इक्कीस जो ऐसे पार हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए हम इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है बहुत सारे हैं जिसमें हमारा पी एस डब्ल्यू हो गया है ना प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो गया टी कॉन टी एस कॉन लिख देती हूँ मैं सबके नाम टी कॉन टी कॉन टी मोड ये हमारे दोनों टाइमर से संबंधित है, SCON सीरियल कम्युनिकेशन से है ये हमारा है ना SCON एस बफ ये दोनों हमारा सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है बाकी टाइमर ज़ीरो का रजिस्टर टाइमर वन का रजिस्टर और हमारा क्या है चारों पोर्ट रजिस्टर P0 P1 P2 और P3 चारों पोर्ट रजिस्टर भी हमारे इसी की श्रेणी में आते हैं यानी पोर्ट रजिस्टर क्या है पोर्ट से संबंधित इनपुट आउटपुट पोर्ट से संबंधित जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम इन चारों पोर्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं इसके अलावा हमारा इंटरप्ट एनेबल इंटरप्ट प्रायोरिटी कौन से इंटरप्ट को इनेबल करना है कौन से इंटरप्ट को डिसेबल करना है उसके लिए हम आई ईन इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर का यूज करते हैं आई पी इंटरप्ट की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए यूज किया जाता है बाकी हमारा एक्यूमिलेटर ठीक है रजिस्टर बी पी एस डब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये सब हमारे क्या है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की श्रेणी में आते हैं और टाइमर के भी ना बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो टाइमर के भी ना दो पार्ट होते हैं जैसे हमने बताया टाइमर जो होते हैं टाइमर्स हमारे कितने बिट के हैं सोलह बिट के लेकिन हमारा जो माइक्रोकंट्रोलर है वो एट बिट पर ही एट बिट के डेटा पे प्रोसेस कर सकता है जिसके कारण टाइमर जीरो को दो भागों में बांट दिया एक टी एक हो गया टी एल जीरो और एक टी एच सिमिलरली टी को भी दो भागों में बांट दिया टी एच जीरो और टी ठीक है Sorry, th1, दोनों में वन आएगा यह हमारा टी एल टी एल इसका टी एल टाइमर वन का लो बाइट और हाई बाइट तो यहां पर हम लिख देंगे और Similarly, यहां पर हम किसके लिखे, लिखेंगे टाइमर वन के लिए भी ठीक है ये हमारे दोनों टाइमर रजिस्टर हो गए पावर को कंट्रोल करने के लिए कौन से मोड में काम करेगा तीन मोड होते हैं हमारे दो ए, एक तो नॉर्मल मोड पावर की बात करें नॉर्मल मोड आइडल मोड और एक होता है पावर सेविंग मोड ये वन ये टू और थ्री यहां पे लिख देते हैं पावर सेवर मोड ठीक है जो हमारा पी कौन है किससे संबंधित है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन से मोड पर कार्य करेगा बाकी डेटा पॉइंटर रजिस्टर हमारा होता है तो इसका भी डी पी एल और डीपीएच डेटा पॉइंटर भी हमारा सोलह बिट का होता है तो इसके कारण से इसकी हाई बाइट और लो बाइट यानी आठ बिट जो हमारी एल एस बी है उन्हें डी पी एल में स्टोर करेंगे और जो हमारे हायर प्रायोरिटी वाली है उनको हम डी पी एच में स्टोर करेंगे तो इस तरह से कुल मिला के बहुत सारे ऐसे का उपयोग हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर करते हैं ठीक है जी एफ आर और भी होते हैं जी एफ आर जो होते हैं हमारे उनको भी लिख देते हैं जी एफ आर जो है हमारे जी एफ आर नहीं बोलते हैं उन्हें जी पी आर बोलते हैं ये हमारे होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर जनरली डेटा को स्टोर करने के लिए आप जिन रजिस्टर का यूज़ करते हैं वो हमारे जनरल पर्पज़ रजिस्टर कहलाते हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं किन का रजिस्टर बैंक का रजिस्टर बैंक का हर एक रजिस्टर बैंक में हमारे अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं चार रजिस्टर बैंक होते हैं आरबी जीरो आरबी वन यहां लिख देती हूँ आर बी जीरो आर बी वन यानी रजिस्टर बैंक वन रजिस्टर बैंक टू रजिस्टर बैंक थ्री तो चार रजिस्टर बैंक होते हैं जिनके अंदर भी हमारे रजिस्टर होते हैं हर एक रजिस्टर बैंक के अंदर आठ रजिस्टर होते हैं यानी अगर आर बी जीरो के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर आठ रजिस्टर हैं आर जीरो से ले गए तक ठीक है जी ये वीडियो मिलेगा आपको अवेलेबल रहेगा चैनल पर ठीक है तो टेंशन लेने की बात नहीं सब कुछ आपको मिल जाएगा अब बात आती है इसमें इंस्ट्रक्शन सेट की कि हमारे एट जीरो की होती हैं इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ एट जीरो फाइव वन कि एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोल जो है इसकी इंस्ट्रक्शन को आप कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं तो यहां पर जो है एक डायग्राम आपको दिखाया जाएगा जिसमें इसकी सारी ही इंस्ट्रक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो है इनको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं

यानी आर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप जिन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं वो हमारी अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती है लॉजिकल जिनके द्वारा एंड और यानी लॉजिकल फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं वो हमारे लॉजिकल बुलियन जिनके द्वारा आप बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे सेट करना क्लियर करना कैरी चेक करना कैरी है कि नहीं है ये सब हमारी क्या बुलियन uh, की कैटेगरी में आती है प्रोग्राम ब्रांचिंग क्या होती है जब हम बात करते हैं सब रूटीन की देखिए हमारा प्रोग्राम मेन प्रोग्राम चल रहा है मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उस समय कोई हमारी इंटरप्ट आ जाती है और वो इंटरप्ट हमारी हाई ऑर्डर की इंटरप्ट है जैसे मान लीजिए आप मेन कॉल पे बात कर रहे हैं अपने बॉस से और आपकी फैमिली से कॉल आती है पापा की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अर्जेंसी होगी तभी पापा ने कॉल किया है तो आप क्या करेंगे मेन प्रोग्राम को छोड़कर उस कॉल कर उस कॉल कर, कर यानी आपकी जो पापा या मम्मी कॉल है उसको अटेंड करने लगेंगे यानी मेन प्रोग्राम को आपने रिज्यूम कर दिया रोक दिया हॉल्ट कर दिया और अब आप सब रूटीन पर जो प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करने चले गए यहाँ भी जब हमारा जो एट जीरो फाइवन है वो क्या करता है मेन प्रोग्राम को छोड़कर

दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसको भी कर लेना ये भी इंपॉर्टेंट है इसको देख के जरूर जाना ये टेबल भी बना सकते हो और आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा एड्रेसिंग मोड्स वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी आपको जरूर करना है हालांकि आपको अलग अलग तरह के एड्रेसिंग मोड किसी बुक में देखेंगे किसी तरह के किसी बुक में देखेंगे किसी तरह के मिलेंगे लेकिन मैं आपको सिंपल तरह के एड्रेसिंग मोड बता देती हूँ सबसे पहला है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फिर है हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एक इमीडिएट भी कर लीजिए इमीडिएट और इंडेक्स्ड इमीडिएट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एड्रेसिंग मोड है वो यहां पर आपको दिखाए गए हैं फाइव टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड हालांकि आप देखेंगे और भी एड्रेसिंग मोड लॉन्ग एड्रेसिंग मोड और आपका एब्सोल्यूट एड्रेस एड्रेसिंग मोड्स बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स आप और जगह देखेंगे तो आप ज्यादा कन्फ्यूज ना होइएगा बेसिकली रजिस्टर रे, रे, एड्रेसिंग मोड इनका मतलब इसी से आपको समझ में आ जाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि जब इंस्ट्रक्शन में जो डेटा है इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस है वो डायरेक्ट ना देकर रजिस्टर के रूप में दिया हो यानी कि मान लीजिए आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा अब उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट को कहां पे सेव किया जाए या जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा कहाँ से लिया जाए देखिए जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो फील्ड होते हैं एक होता है ऑपरेट और एक होता है ओप कोड ओप कोड का मतलब है ऑपरेशनल कोड क्या मतलब है इसका ऑपरेशनल कोड ऑपरेशनल कोड क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन का संक्षिप्त रूप इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन का जो संक्षिप्त रूप है वही हमारा क्या कहलाता है ओपकोड कहलाता है यानी हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको शॉर्ट रूप में संक्षिप्त रूप में लिख दिया वही हमारा क्या कहलाएगा ऑप कोड जैसे कि मान लीजिए एडिशन को मैं लिख दूं क्या एड तो यहाँ एडिशन क्या है हमारा एक ऑपरेशन है और इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या लिख दिया एड इसी को हमने क्या कहा कोड ऑपकोड जो है निमोनिक्स निमोनिक्स के रूप में लिखा होता है निमोनिक्स का मतलब ही यही होता है संक्षिप्त रूप ठीक है समझ में आया तो, तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो फील्ड बहुत जरूरी होते हैं पहला उसका ऑपकोड यानी ऑपरेशनल कोड और दूसरा ऑपरेंट अब ऑपरेंट जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाए वो हमें किससे पता चलता है एड्रेसिंग मोड से भाई मैंने आपको कह दिया बहुत इंपॉर्टेंट लेटर भी ले आओ तो आप कहोगे मैम कहाँ से लेकर आना पूछोगे ना मुझसे कि भाई वो इम्पोर्टेंट लेटर जो ऑफिशियल लेटर कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई क्लास रूम में जाइए या फैकल्टी रूम में जाइए या कबर्ड में जाइए घर पे जाइए मैं आपको बताऊंगी कि वो लाना कहाँ से सिमिलरली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो डेटा है वो कहाँ से लाया जाए ये कहाँ से पता चलता है हमें एड्रेसिंग मोड से तो एड्रेसिंग मोड हमारे यहाँ पाँच तरह के मैंशन है जब हमारा एड्रेस क्या हो रजिस्टर में स्टोर है तो उससे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जब हमारा एड्रेस जो है डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे रखा हो तो हम मुझसे क्या कहेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और जब हमारा जो डेटा है जो हमारा एड्रेस है वो डायरेक्ट ना देकर किसी और जगह सेव हो किसी लोकेशन पर सेव हो तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को कहेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट में क्या होता है एड्रेस डायरेक्ट ही इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन में दिया होता है और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम यूज़ करते हैं किसका कि हमारा हमारा इसमें इंस्ट्रक्शन जो होता है इंडेक्सट में कुछ इस तरीके से लिखा होता है हमारा इंस्ट्रक्शन कि उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बेस रजिस्टर के रूप में ठीक है और दूसरा हमारा होता है ऑफसेट रजिस्टर रजिस्टर एक बेस होता है और ऑफसेट रजिस्टर उन दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू है हमारी वो एड्रेस के रूप में कार्य करती है तो ये हमारा कहलाता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ठीक है तो टाइमर काउंटर एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन सेट ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर ही आते हैं इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एट जीरो फाइव वन में और आ सकते हैं वो हमारा सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन और इंटरप्ट क्या है इंटरप्ट सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन और हमारा दूसरा है इंटरप्ट interrupt. इंटरप्ट तो इनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो हमारी फाइवर माइक्रो कंट्रोलर होती है इसके पास कैपेसिटी होती है इसकी ये गुण है क्वालिटी है कि सीरियल कम्युनिकेशन भी परफॉर्म कर सकता है तो हमने पिन डायग्राम में बताया था कि पिन डायग्राम में हमारी दो पिनें होती हैं जो कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं आर एक्स और टी एक्स बताया था ना भाई डायग्राम बताने कहाँ चला गया अभी ये, ये जो हमारी पिनें आप यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारी आर एक्स और टीएक्स है ये हमारी यूज की जाती हैं किसके लिए कहा गई भाई पिन है हमारी जो कि रिसीविंग पिन और ट्रांसमिटिंग पिन कहलाती हैं, ठीक है इसके नीचे ढक गई भाई ये आर एक्स डी और टीएक्सडी दस और ग्यारह जो हमारी किसके लिए सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमारे दो रजिस्टर हैं ये एसकॉन और एसब ये किसके लिए यूज होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, है? यहाँ पे लिख देती हूँ सीरियल कम्युनिकेशन ये दोनों टाइमर के लिए टाइमर कंट्रोल रजिस्टर ये दोनों हमारे टाइमर के डेटा के लिए ये टी जीरो के लिए और ये जो था कंग हमारा ये हमारा टी जीरो और इसी तरीके से हमने लिखा था टी -ER, टाइमर वन के लिए ये टाइमर वन के लिए ये टाइमर जीरो के लिए ये हमारे चारों के चारों मैंने बताया था ये कौन से थे हमारे पोर्ट रजिस्टर तो बेसिकली यहाँ आपको यही चोरी बाद में भी काम आएगी कि हमारे जो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन है ये जो हमारा एट जीरो कर सकते हैं इनको आप डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और इनसे डाटा रिसीव भी कर सकते हैं है है, है है। तो डेटा को कब रिसीव करना है कब ट्रांसमिट करना है वो आप किसके द्वारा करते हैं एसकॉन और एस के द्वारा कौन से रजिस्टर के द्वारा एसकॉन यानी सीरियल कंट्रोल और एस बफर यानी सीरियल बफर इनके द्वारा ये हमारे क्या है सीरियल कम्युनिकेशन रजिस्टर कहलाते हैं सीरियल कम्युनिकेशन रजिस्टर ठीक है इसके अलावा इंटरप्ट के बारे में हमने बताया था कि इसकी कितने इंटरप्ट होती हैं फाइव टाइप्स ऑफ इंटरप्ट होती हैं ठीक है और इसमें हमारी होती है दो हमारी एक्सटर्नल दो एक्सटर्नल इंटरप्ट और तीन हमारी इंटरनल इंटरप्ट होती है और हमने बताया था इसमें होती है आई एन टी जीरो आई एन टी वन और इसमें होती है कौन सी हमारी टी जीरो टी वन, और ये होती है आर आई टी आई ठीक है जिनमें से दो जो है ये वाली इनको कहते हैं टाइमर इंटरप्ट टाइमर से संबंधित इंटरप्ट है ये क्योंकि तो इसके अंदर इनबिल्ड टाइमर होता है और ये हमारी सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट ठीक है तो इंटरप्ट का क्वेश्चन भी मैंने कहा एग्जामिनेशन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको भी देखकर जाना है आपको पर इंटरप्ट का क्वेश्चन तो बहुत बहुत बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि इंटरप्ट कितने प्रकार की इंटरप्ट है कौन सी एक्सटर्नल है कौन सी इंटरनल है और एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए आप कौन सी पिनों का इस्तेमाल करते हैं तो पिन डायग्राम में हमने आपको बता दिया कि हम कौन सी पिन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है नेक्स्ट यूनिट हमारी है यूनिट नंबर फोर जो कि है हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देखिए जो हमारी आ, मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली जो सेटअप इंस्ट्रक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम और प्रोग्राम जो होता है जिस भाषा में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दो प्रकार की हो सकती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके साथ ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं बनाए जाते और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको यूजर और जो प्रोग्रामर है वो दोनों ही आसानी से समझ सकते भाई जो प्रोग्रामर है जिसने बनाया उसको तो समझ में आएगा लेकिन जो यूजर है जो उपयोग करने वाला उसको भी ये भाषा आसानी से समझ में आ जाती है दूसरी तरफ दूसरी जो भाषा है।, है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी कहलाती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि नॉर्मली स्ट्रक्चर टेक्स्ट के रूप में होती है स्ट्रक्चर टेक्स्ट के बारे में हमने बताया था शुरू की यूनिट में जिनमें हम क्या करते हैं टेक्स्ट का यानी कुछ अल्फाबेट्स का और कुछ सिम्बल्स का यूज करते हैं ये जो लैंग्वेज होती है इसको हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजर से नहीं जा सकती। जैसे कि सी समझ में नहीं आती क्योंकि है तो द्वारा बहुत आसानी से समझी जा सकती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन लेट्स का इस्तेमाल करते हैं वही बिल्कुल जैसे हमने बताया था इंस्ट्रक्शन जो है इसके दो फील्ड होते हैं क्या ओपकोड और operand, op code और operand. तो हमने बताया था क्या क्या होता है? Operand हमारा वो data होता है, है, है हमारा वो या data का हो हो सकता है? Address हो सकता है जहाँ से डेटा को फीड करना है और कोड क्या होता है हमारा ऑपरेशनल कोड होता है ऑपरेशनल कोड क्या होता है ऑपरेशनल कोड हमारा व्यक्त करता है ऑपरेशन को यानी विच ऑपरेशन बी परफॉर्मड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है ये हमें पता चलता है किससे अपने ऑप कोड से, से. यानी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये हमें पता चलता है ऑप कोड से और ऑपरेट वो हमारा डेटा होता है जिस पर जिस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा भाई मैंने आपको कहा कि बेटा ऐड कर दीजिए तो आप कहेंगे मैम ऐड किसे करें यानी मैंने आपको ऑपरेशन तो बता दिया ऐड कर दो लेकिन किस पर करना डेटा नहीं दिया या फिर मैं आपसे करूँ बेटा फोर और फाइव तो आप कहेंगे मैम फोर और फाइव क्या तो मैं कहूँगी बेटा फोर और फाइव को ऐड कर दीजिए यानी इस केस में मैंने डेटा दे दिया आपको ऑपरेशन नहीं दिया तो इंस्ट्रक्शन के लिए जो मैंडेटरी फील्ड होते हैं वो दो होते हैं हमें ऑप कोड और साथ ही साथ बेसिकली uh, ऑपरेंट uh, दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है ठीक है तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है बहुत ईजी है समझने में इससे कुछ खास परेशानी नहीं आती कोई भी जो यूज़र है या जो भी व्यक्ति है इसको बहुत आसानी से समझ सकता है अब इसमें एक टर्म आती है हमारी क्या असेंबलर और कंपाइलर वाला एक क्वेश्चन आता है हमारा कि असेंबलर क्या है कंपाइलर क्या है असेंबलर और कंपाइलर में क्या अंतर है उसको भी देख लेते हैं ठीक है इसमें हमारा एक क्वेश्चन है इसको आपको ज़रूर देखना है असेंबलर एंड असेंबलर वर्सेस कंपाइलर यानी असेंबलर और कंपाइलर में अंतर जिन स्टूडेंट्स को पता है वो बताइए कि असेंबलर और कंपाइलर में क्या अंतर है जिनको जानकारी है वो बता सकते हैं विजय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी से हैं ओके रोकी प्रजापति जी गुड इवनिंग बेटा नित्यानंद जी हिंदी में क्योंकि नॉमल नौ, जो टर्म है या इंग्लिश में लिखे हुए जी सूरज कुमार बिन जी रिलेटिव और लॉन्ग एड्रेसिंग का भी उपयोग आप कर सकते हैं कि मैंने आपको मुख्य पांच एड्रेसिंग मोड बताए आप चाहे तो आपको और आते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं ठीक है तो कंपाइलर और असेंबलर के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ये क्या करता है हमारा कंपाइलर जो सोर्स कोड है उनको क्या करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जबकि जो हमारा assembler है वो उसको low level language में करने बिल्कुल सही, सही है को को में करता करता है 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 बिल्कुल सही बस थोड़ा सा शब्दों का ये हेर फेरे बात एक ही है ठीक है ये इनपुट असेंबली लैंग्वेज कोड है ये इनपुट सोर्स कोड पर काम करता है ये पूरे के पूरे कोड को जो हमारा कंपाइलर है ये पूरे पूरे कोड को एक ही समय पर कन्वर्ट कर देता है सिमिलर स्टेप बाय स्टेप पूरे वर्ड को कन्वर्ट करता है ये छोटे छोटे इनके डिफरेंसेस हैं ये आपको देख के जाने आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है तो असेंबलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है इससे आप समझ सकते हैं असेंबलर हमारा क्या करता है असेंबलर सोर्स कोड को सोर्स कोड को चेंज करता है किसमें हमारा ऑब्जेक्ट कोड में या कह लीजिए मशीन लैंग्वेज में ठीक है यानी सोर्स कोड को या कह लीजिए असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को एक ही बात है जो भी आप लिखें इसको चेंज कर देता है ये मशीन लैंग्वेज में तो यहाँ ब्लॉक से भी आपको ये डायग्राम आप बना सकते हो क्लियर है हाँ कंपाइलर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है बिल्कुल सही कसम ये क्या करता है कंपाइलर ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में Clear? तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा इसका ना डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है ठीक है अब इसमें ना एक हमारा टर्म आता है कि असेंबली लैंग्वेज का लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में है कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है उसमें लैंग्वेज की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है तो इसके इसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं हम तो इसकी छह ब्लॉक हैं, ठीक है अब इनमें हर एक ब्लॉक जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है पहले ही स्टेप में हम लिखेंगे प्री प्रोसेसर जो जो हमारे प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करता है प्री प्रोसेसर फिर असेंबलर होता है फिर हमारा कंपाइलर होता है मैंने बताई दिया कंपाइलर आप क्या क्या करता है हाई लैंग्वेज को चेंज करता है सॉरी uh, इसमें भी पहले कंपाइलर आएगा ठीक है इसको चेंज करें क्योंकि पहले हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन होगा ये क्या करता है कंपाइलर जो प्री प्रोसेसर से मिलने वाली हमारी आउटपुट है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको चेंज करता है लोव लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं किसका असेंबलर का असेंबलर फिर उस लो लेवल की लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन कोड में और फिर असेंबलर से मिलने वाली फाइल जो है उनको लिंकर के द्वारा आपस में सभी को जोड़ा जाता है लिंक किया जाता है और फिर लोडर द्वारा उन सभी मिलने वाला जो जो हमारे डेटा फाइल है है उनको लोड किया जाता है, और बाद में जो भी सारी वैल्यू है डेटा है उनको मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है तो ये पूरा असेंबली uh, लैंग्वेज का प्रोसेसिंग सिस्टम जो है लैंग्वेज का किस तरीके से हमारी लैंग्वेज जो है स्टोर की जाती है प्रोसेस की जाती है वो इस पूरे डायग्राम में समझ सकते हैं आप ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर है सबको फिर इसमें ना हमारे असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए असेंबली लैंग्वेज में यूज होने वाले जो हमारे डायरेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स असेंबली लैंग्वेज का यूज डायरेक्टिव होता है कि कब प्रोग्राम को स्टार्ट करना है कब प्रोग्राम को एंड करना है यानी प्रोग्राम की बिगनिंग प्रोग्राम की स्टार्टिंग और प्रोग्राम की एंडिंग पता करने के लिए भी का यूज होता है जैसे कुछ डायरेक्टिव आप नाम से ही समझ जाएंगे जैसे कि है हमारे सेट ओरिजिन असेंबलर स्टेट कंट्रोल असेंबलर स्टेट कंट्रोल असेंबलर स्टेट कंट्रोल यानी इनकी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए हम जिनका यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं इसी तरीके से सिंबल स्टोरेज ठीक है ना सिंबल के बेसिकली डेफिनेशन के लिए कि कौन सा हमारा किसके लिए यूज किया जा रहा है स्टोरेज, इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम लिंक सेगमेंट सेलेक्शन सेगमेंट सेलेक्शन ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर इनिशियलाइजेशन ये अलग अलग तरह के डायरेक्टिव हम इसमें यूज करते हैं इसके अंदर फिर बहुत सारे हमारे डायरेक्टिव ये तो हमने फील्ड बता दिए डायरेक्टिव के फील्ड कौन कौन से होते हैं जैसे इसमें कि कब स्टार्ट करना है कब एंड करना है ना ये सारे हमारे क्या है सिमिलर की स्टेट को बताते हैं इसमें यूजिंग है बाकी इसमें आर एस ई जी सी एस ई जी ये अलग अलग हमारे इसके अंदर डायरेक्टिव जो है हम यूज़ करते हैं क्लियर तो असम्बलर डायरेक्टिव्स आपको कुछ असम्बलर डायरेक्टिव आप करके जाइएगा ठीक है ठीक है तो असेंबली डायरेक्टिव मोस्टली जो हमारे यूज होने वाले हैं ना ओ आर जी ई एंड -E यानी कब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को स्टार्ट करना ओरिजिन जिससे हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना है एंड का प्रोग्राम को एंड करना है ये सारे के सारे हमारे डायरेक्टिव्स हैं जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में ये कह लीजिए प्रोसेस करने में मदद करती है ठीक है हाँ अभी प्रताप जी सही है कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में जो प्रोसेसिंग करता है ना कंपाइलर वो पूरी फाइल पर एक बार में करता है जबकि असेंबलर ऐसा नहीं करता सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं ठीक है थीके? तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में ना बहुत ज़्यादा आपका नहीं आएगा कुछ अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा इस वाले यूनिट से एक क्वेश्चन बनता है और ज़रूर आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन वह हमारा इंटरफेसिंग का बहुत ज़रूरी है क्या इंटरफेसिंग इंटरफेसिंग में बहुत सारी इंटरफेसिंग है आपकी इंटरफेसिंग में हमारी इंटरफेसिंग आएगी किसके साथ इंटरफेसिंग एट जीरो की है ना कीबोर्ड की सेवन सेगमेंट डिस्प्ले की मोटर की. की ये हमारे डिफरेंट

पेरिफेरल्स का मतलब है क्या इनपुट और आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट यानी आप इसके साथ बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस भी और बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस को क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं जिनको आप कहते हैं पेरिफेरल्स तो पेरिफेरल्स को आप कनेक्ट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को तो पेरिफेरल जैसे कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है एएसडी डिस्प्ले आपका आउटपुट हो सकता है यहां पर हम ये ये जो है हमारा एलईडी डिस्प्ले एल ये सारी क्या है भाई ये हमारी आउटपुट डिवाइस है ये भी हमारी आउटपुट है ये हमारी क्या है आउटपुट ये हमारे इनपुट तो बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना एट जीरो हमारा क्या कहलाता है इंटरफेस आपको ध्यान रखना है जो भी आप डिवाइस को जोड़े चाहे आपका फोर स्टू फोर का मैट्रिक्स का कीबोर्ड हो या फिर आपका एल डिस्प्ले हो सेवन सेगमेंट का आपका एलईडी डिस्प्ले हो या आपका मोटर हो जो भी आप करें आपको ध्यान रखना आपको इस्तेमाल करना है पोर्ट्स का ठीक है तो जो भी आप डिस्प्ले ले रहे हैं उनको किसी भी पोर्ट से कनेक्ट करके आप दिखाएंगे साथ साथ जो आपका क्लॉक सर्किट है वो भी आपको कनेक्ट करके दिखाना है ठीक है अब उसके बाद आपका जो लास्ट अच्छा हाँ इसमें एक चीज और हमारी रह जाती है पिक माइक्रो कंट्रोलर पिक माइक्रो कंट्रोलर पिक माइक्रो कंट्रोलर का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे जरूर पूछा ही जाएगा इसमें आपको दोनों चीजें इसकी करनी है क्या पिन डायग्राम भी और इसका आर्किटेक्चर भी पिन डायग्राम भी आप देख लेते हैं तो भी बहुत है ठीक है और आर्किटेक्चर भी ठीक है तो आर्किटेक्चर में काफी कुछ चीजें ना आपको एट जीरो फाइव वन के जैसी आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ही है ये तो यहाँ पर पिक माइक्रो कंट्रोलर जो है ये भी काफी हद तक हमारा इसको पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं पी आई सी इंटरफेस कंट्रोलर इसको पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर के नाम से बच्चों पता क्यों जानते हैं क्योंकि जो हमारा 8051 है इसके अंदर हम बहुत कम पेरिफेरल डिवाइस को कम कनेक्ट कर पाते हैं इंटरफेस कर पाते हैं पिक माइक्रो कंट्रोल एक विशेष प्रकार का माइक्रो कंट्रोल है इसको पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं यानी मल्टीपल जो पैरेफरल्स हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए इसको हम पैरिफरल इंटरफेस कंट्रोलर के नाम से जानते हैं ठीक है टॉपिक माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम जो है वो भी आपको ज़रूर देखना है बहुत ज़रूरी है ये भी हमारी वैसे ही जैसे कि हमने एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोल में पढ़ा सिमिलरली हमारा ये भी फोर्टी पिन का आईसी है ये भी डीआईपी है डुअल इन लाइन है ठीक है वैसे ही आपको ये भी पढ़ना है लास्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर फाइव जो कि हमारी स्काडा इसका अगर आपने फुल फॉर्म समझ लिया तो ही आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा SCADA का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी, कंट्रोल एंड एंड डेटा डेटा सुपरवाइजरीजन देखिए इससे क्या मतलब है इसको समझिए पहले आप इसका अर्थ ही समझिए हमने पढ़ लिया अभी तक क्या हमने पी पढ़ लिया क्या होता है हमने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ लिया हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब चीज़ें पढ़ ली यानी आपके पास एक स्पेसफा स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करने के लिए आपने पी डिज़ाइन कर ली इसकी प्रोग्रामिंग भी सीख ली अब जब हम किसी भी टास्क की किसी भी काम की किसी भी प्रोसेस की क्या करते हैं कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग करते समय हमें उससे संबंधित बहुत सारे डेटा को रिकॉर्ड में रखने के लिए उसका लेखा जोखा रखने की ज़रूरत पड़ती है इसके अलावा क्या होता है कि हम जो उसकी सुपरविजन भी कर सके यानी हम उसकी निगरानी भी कर सके देख रेख भी कर सके तो स्काडा जो है ऐसा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी प्रोसेस का सुपरवाइज यानी उसका सुपरविजन किया जा सकता है स्काडा सिस्टम के द्वारा आप बहुत दूर बैठे यानी रिमोट एरिया पर भी बहुत दूर कहीं एक किसी यूनिट में कोई काम हो रहा है कोई कंट्रोलिंग चल रही है और बहुत दूर बैठे कोई व्यक्ति जो है ऑपरेटर जो है पूरे काम का सुपरविजन कर सकता है यानी निगरानी कर सकता है देख कर सकता है सुपरवाजरी कर सुपरवाइजरी कर सकते हैं कंट्रोलिंग कर सकते हैं दूर से बैठे सुपरवाइज तो कर सकते हैं साथ साथ कंट्रोल सिग्नल्स भेजकर उसकी कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं एंड डेटा डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यानी जो भी हमारा प्रोसेस है जो भी कार्य है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है जो भी तथ्य है जो भी सूचनाएं हैं चाहे वो पिक्चर फॉर्म में हो चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो चाहे वो ग्राफ फॉर्म में हो किसी भी फॉर्म में हो सकती है उसको इकट्ठा करना उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना हमारा क्या कहलाता है डेटा एक्विजिशन यानी स्काडा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं नहीं एनालॉग टू डिजिटल नहीं पूछा जाता ठीक है सो बेसिकली स्काडा की मदद से आप पूरे ही प्रोसेस का क्या कर सकते हैं सुपरविजन कर सकते हैं इसका और डेटा एक्विजिशन भी कर सकते हैं ठीक है तो इस्काडा का यूज़ बहुत सारी जगह किया जाता है पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे जो सेंटर्स हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं बहुत सारे प्रोसेस जैसे कि हमारा वाटर और सीवेज का प्रोसेस हो बिल्डिंग्स का जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करनी हो उनको आउट करना हो तो इन सब चीज़ों में स्काडा का यूज़ किया जाता है हाँ उसके डेटा का लेखा और सिस्टम को कंट्रोल करना बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी तो ये इसका जो तो मतलब है ना यहीं से आपको समझ में आ जाएगा तो भाई इसके एडवांटेज क्या है लॉन्ग डिस्टेंस से मॉनिटरिंग कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं मैनुअल एफर्ट की आवश्यकता बहुत कम पड़ जाती है फिजिकल एफर्ट नहीं करने पड़ते इजी मॉनिटरिंग इजी ऑपरेटिंग हो जाती है तो ये सारे हमारे स्काडा के क्या हो जाएंगे एडवांटेज हो जाएंगे क्लियर तो इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे ईजी मॉनिटरिंग ठीक है लिखने की आवश्यकता तो आई होप है नहीं मॉनिटरिंग हो जाएगी कंट्रोलिंग हो जाएगी है ना प्रोटेक्शन बहुत हो जाएगा का मैनेजमेंट हो जाएगा ये सारे हमारे इससे मैनेज हो सकते हैं ठीक है फिर इसमें छोटी छोटी टर्म आती है जो आपकी टिप्पणी के रूप में पूछी जाती है इस चैप्टर में से ना छोटी छोटी टर्म आती है जैसे कि डिस्पैच सेंटर क्या है डिस्पैच सेंटर ऑपरेटर कंसोल ऑपरेटर कंसोल वी डी यू आर टी यू है ना डेटा लॉगर ये सारी हमारी छोटी छुट छोटी डेफिनेशन होती हैं जो कि आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है डिस्पैच सेंटर या जिसको हम एलडीए uh, के नाम से भी जानते हैं लोड डिस्पैच सेंटर एलडीए डिस्पैच सेंटर जो होते हैं जिनको एलडीए का पूरा नाम है LDA में लिख देती हूँ एलडीए लोड डिस्पैच सेंटर इनका उपयोग जो है ना अब बहुत ज्यादा हमारे जो पावर सिस्टम है उसमें किया जाता है इलेक्ट्रिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में एल डी ए या डिस्पैच सेंटर का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है इसमें यह मॉनिटर किया जाता है कि जितने भी कंज्यूमर है जो भी हमारे व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी लोड डिमांड के अनुसार उन्हें लोड फीड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ऑपरेटर कंसोल है इसको कंट्रोल कंट्रोल की जगह कंसोल कर लीजिए ऑपरेटर कंसोल ऑपरेटर कंसोल क्या हमने बताया कि स्काडा के द्वारा पूरी की पूरी मॉनिटरिंग पूरी की पूरी सुपरविजन आप कर सकते हैं तो ऑपरेटर कंसोल एक पैनल होता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो क्या करता है जो इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल जो है उनकी कंट्रोलिंग कर सकता है ऑपरेटर कौन होता है वो व्यक्ति होता है जो कि सुपरविजन मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का कार्य है के द्वारा देखता है फिर हमारे विडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट नाम से पता चल रहा है नाम लिख देते हैं पूरा क्या है विजुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअली डिस्प्ले यूनिट जो हमारी हमारी ऐसी यूनिट होती है जिसके द्वारा जो ऑपरेटर है वो पूरे ही प्रोसेस का विजुअल देख सकता है यानी डिस्प्ले जो कि हमारा हो सकता है कोई एलईडी डिस्प्ले हो सकता है एल डिस्प्ले हो सकता है या हमारे लार्ज डिस्प्ले पैनल हो सकते हैं जिसकी सहायता से जो ऑपरेटर है जो कंट्रोल से कंसर्न संबंधित सम, व्यक्ति है वो पूरा का पूरा प्रोसेस उस डिस्प्ले पर देख पाता है नॉर्मली कंप्यूटर के रूप में यानी कंप्यूटर डिस्प्ले के रूप में जो कि एलईडी डी कंप्यूटर स्क्रीन आपने देखी है उसके रूप में हो सकती है बड़े पैनल के रूप में भी हमारा होता है इसके अलावा आर और एक हमारा होता है एम जो कि हमारे कहलाते हैं मेन टर्मिनल यूनिट एम का नाम है मेन टर्मिनल यूनिट और आरटीयू का मतलब है रिमोट टर्मिनल यूनिट स्काडा सिस्टम में आरटीयू और एम क्या होते हैं जो हमारा एम होता है मेन टर्मिनल यूनिट एक होता है और बहुत सारी आर टी रिमोट टर्मिनल यूनिट जुड़ी होती है मेन टर्मिनल यूनिट वो यूनिट होती है जिसके द्वारा कंट्रोल सिग्नल भेजा जाता है और ये कंट्रोल सिग्नल हमारे डिफरेंट आर को यानी रिमोट टर्मिनल यूनिट को भेजा जाता है और रिमोट टर्मिनल यूनिट इस सिग्नल को एडेप्ट करके रिसीव करके कंट्रोलिंग एक्शन को परफॉर्म करता है ठीक है अब उसके बाद लास्ट है हमारा डेटा लेजेस क्या होते हैं डेटा लेजेस क्या होते हैं डेटा एक्विजन से संबंधित है हमने बताया डेटा या जो भी संबंधित लेखा जोखा है जैसे कि हमने बताया जो भी डेटा है वो हमारा टेक्स की फॉर्म में हो सकता है जो डेटा है डेटा का जो फॉर्मेट है हमारा जो भी हमारी संबंधित जानकारी है जो हिस्टोरिकल डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है है ना या किसी और विजुअल फॉर्म में हो सकता है ठीक है ये कोई भी हमारे आंकड़े हो सकते हैं तथ्य हो सकते हैं या हमारी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स वैल्यूज ये सारी की सारी हमारी डेटा के रूप में यूज की जाती है तो डेटा का जो फॉर्मेट है इन सब रूप में हो सकता है तो डेटा लॉजस लेजर्स जो होते हैं बेसिकली काइंड ऑफ मेमोरी होते हैं जिनमें सारा ये जो संबंधित जानकारी है सूचना है, वो उनमें स्टोर की जाती है क्लियर हाँ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्लॉइज की आवश्यकता भी कम हो जाती है ऑपरेटर कंसोल जो है हमारा ऑपरेटर कंसोल एक ऐसा स्थान है ऑपरेटर कंसोल एक ऐसी जगह है जहां से जो हमारा व्यक्ति है जो कि ऑपरेटर है वो सारी की सारी चीजों को मैनेज कर सकता है जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपके पास क्या है एक सिस्टम है ठीक है आप एक सिस्टम से बैठे बैठे कमांड दे सकते हैं बाकी सारे लोगों को तो ऑपरेटर के पास एक ऐसा पूरा कंट्रोल का ताना बाना से वो सारे सारे कंट्रोल सारी कंट्रोल सिग्नल इंस्ट्रक्शंस को भेज सकता है या कह लीजिए कंट्रोलिंग परफॉर्म कर सकता है वो हमारा ऑपरेटर कंसोल कहलाता है ऑपरेटर कंसोल पर ऑपरेटर को सारा का सारा व्यू नजर आ जाता है मेन व्यू कंट्रोल व्यू अलार्म व्यू जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का स्टेटस सारा व्यू ऑपरेटर कंसोल पर उस व्यक्ति के हाथ में होता है क्लियर इसमें एक और हमारा टॉपिक जो है वो पूछा जाता है कम्युनिकेशन चैनल ऑफ स्काडा स्काडा के कम्युनिकेशन चैनल हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं सिंगल चैनल और मल्टी चैनल कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्काडा में ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा आपका कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन चैनल इन स्काडा सिस्टम स्काडा सिस्टम में कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार का होता है भाई भाई अभी कम्युनिकेशन का मतलब है कि डेटा को भेजना डेटा को रिसीव करना हमारा क्या कहलाता है कम्युनिकेशन कहलाता है तो इसमें कम्युनिकेशन दो प्रकार से हो सकता है पहला सिंगल चैनल द्वारा और दूसरा मल्टी चैनल द्वारा मल्टी चैनल कम्युनिकेशन मल्टी चैनल कम्युनिकेशन और और आपका सिंगल चैनल कम्युनिकेशन क्लियर तो यहाँ पर आपकी पाँचों की पाँचों यूनिट खत्म हो जाती है इसमें क्या होता है सिंगल कम्युनिकेशन में क्या होता है बहुत सारे जो हमारे मल्टी सॉरी मल्टी चैनल कम्युनिकेशन में जितनी भी हमारे मल्टीपल डिवाइसेस हैं बहुत सारे डिवाइसेस हो सकती हैं है, है ना सेंसर कई सारे सेंसर का आप उपयोग करते हैं तो अलग अलग सेंसर से मिलने वाली जो इनपुट है उसको एक साथ में ही ट्रांसमिट या रिसीव किया जा सकता है और सिंगल चैनल में एक ही के द्वारा ठीक है बेटा मैंने ऑपरेटर कंसोल के बारे में बता दिया उतना काफी इनफ है ठीक है ऑपरेटर कंसोल में यही होता है कि ऑपरेटर कंसोल एक ऐसा प्लेस है जहां पर ऑपरेटर जो है पूरे के पूरे प्रोसेस का संपूर्ण व्यू देख सकता है और वहां से कंट्रोल सिग्नल भी भेज सकता है ठीक है तो चलिए भाई यहीं पर हमारा पी एस सी माइक्रोकडा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है पांचों के पांचों यूनिट हमने कंप्लीट कर ली आई होप पूरा ही सिलेबस आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो इस महामैराथन क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं आपको रिविजन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी हालांकि बहुत सारा सिलेबस पांच मिनट के अंदर ठूस ठूस के डाला गया है बट जितने मेन मेन टॉपिक है और ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया आपके पास जो भी बुक्स नोट्स या जहाँ भी जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं बहुत जरूरी है नोट्स होने आपके पास बहुत जरूरी है या बुक होनी आपके पास जरूरी है केवल वीडियो लेक्चर से या केवल क्लास में क्लास लेने से क्लासरूम में क्लास पढ़े लेने से कुछ नहीं होने वाला रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको लिखना क्या है ये आपको बुक और नोट से ही पता चलता है तो आप जरूर वहां से भी पढ़े कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया गया आज की क्लास में लेकिन जो बेसिकली डेटा है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको नोट्स और बुक से ही मिलेंगे तो उनको भी जरूर रेफर करना है रिविजन बढ़िया से करना है और एग्जामिनेशन तक बार बार जितने भी आर्किटेक्चरल डायग्राम पिन डायग्राम या बाकी के डायग्राम है उनकी प्रैक्टिस भी आपको जरूर करनी है ठीक है तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं फिर मिलेंगे आपसे किसी और लाइव सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत